CAF, CAF जो है जहां पे उनकी आवश्यकता पड़ी, जैसे हमारे राज्य की एक सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, नक्सलवाद, तो CAF क्या है, अधिकतर जो CAF के बटालियन की कंपनीज जो है। लेकिन मैं या हम सभी ने कोशिश किया है कि आपके उस इंटरव्यू रूम में एंट्री से लेके बैठने तक और पूरा इंटरव्यू के बाद गेट से बाहर आने तक जो जो चीज़ें छूट जाती, गलती हो जाती है या जो चीज़ें नोटिस करने वाली होती हैं, उन बातों को बताने का प्रयास किया गया है। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था पहली क्लास में, जब मेरा पहला क्लास था यहाँ पे SI इंटरव्यू से संबंधित जो क्लास चालू हुई थी, उसके पहले ही दिन मैंने बताया था कि इंटरव्यू एक ऐसा एग्ज़ाम ही है, एग्ज़ाम का पार्ट है जिसका कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है। उसकी तैयारी जो अभ्यर्थी है वो स्वयं अपने विवेक से करता है कि किन क्षेत्रों से पूछा जा सकता है, ठीक है। अमूमन जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं उसका जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है नॉलेज के लिए, उस चीज़ को हम फिर से पढ़ते हैं अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। दूसरा, उससे संबंधित जैसे अभी आप लोग सब इंस्पेक्टर के लिए उसके इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम उस क्षेत्र में क्या होता है, उससे संबंधित काम क्या होंगे, क्या चुनौतियाँ होती हैं उस क्षेत्र की, ये सारे क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। तीसरा हो गया जो करेंट इशूज हैं, करेंट मुद्दे हैं, ठीक है, जो देश में चल रहे हैं। एक अधिकारी होने के नाते या एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं। अब जैसे कि लगभग हर क्षेत्रों से आप लोगों से प्रश्न किए गए थे इंटरव्यू में, मतलब मैक्सिमम जिनकी पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने पहले ही दिन बताया कि जो आपका परिचय है, आपका बायोडाटा है, उससे ही सवाल पूछे जाते हैं अधिकतर, अधिकांश सवाल या तो बायोडाटा से पूछे जाएंगे, नहीं तो प्रारंभ वहाँ से होता है, ठीक है, आपकी शुरुआत। तो अगर आपके बायोडाटा से आपके इंटरव्यू की शुरुआत होती है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अपने बायोडाटा के बारे में आपको सब चीज़ें पता है, अपने बारे में आपको हर चीज़ें पता है। और मैंने बताया था कि क्या क्या अपने बारे में बताना है, कोई एक बताएंगे क्या 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 बता सकते हैं, आप बताइए अपने बारे में, जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है अपने बारे में बताइए। अच्छा, नए जो आए हैं आप बताइए, बैठे बैठे बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अपने बारे में जब पूछा जाता है तो धारा प्रवाह बोलना है, उसकी तैयारी करनी है आप लोग को। आईने के सामने बैठ के पहले तो उन चीज़ों को लिख लीजिए, अपना नाम, माता पिता का नाम नहीं बोलना है, बोल देते हैं तो घबराना नहीं है, अरे बोल डाले, नॉर्मली क्या होता है, फ्लो में निकल जाता है। तो अपना नाम बताना है, अपना जिला बताना है, निवास स्थान बताना है, ग्राम, जिला या कुछ महत्वपूर्ण है तो, मैं जैसे बताया था कि अगर महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको बताइए ताकि उससे क्वेश्चन बने कि मैं मल्हार का निवासी हूँ या मैं खरौद का निवासी हूँ, खरौद जिला जांजगीर चांपा, ऐसा करके उसको पूरा बताने का प्रयास किया, शिवरी नारायण ऐसा करके। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप सभी जानते हैं क्या महत्वपूर्ण है, कौन से स्थान महत्वपूर्ण है हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित, सभी GS पढ़े हैं छत्तीसगढ़ का, इंडिया का, तो सब चीज़ें समझते हैं कि कौन जगह इम्पॉर्टेंट है। तो आप स्थान बताना है, फिर अपनी क्वालिफिकेशन बताना है, क्वालिफिकेशन में 12वीं आपने किस विषय से किया है, कहाँ से, कौन से ज़िले से किया है, स्कूल वगैरह बताने की तो ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने नवोदय से पढ़ा है या और कोई महत्वपूर्ण जो आप बताना चाहते हैं जिससे क्वेश्चन बने, तो वैसा बता सकते हैं, अन्यथा बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद स्नातक, UG, PG जो भी आपने किया है वो बता सकते हैं, और कैसे बताना है कि मैंने इस वर्ष में यहाँ से इस विषय में स्नातक पूरा किया है, ठीक, मैंने बिलासपुर यूनिवर्सिटी से 2013 में BA में स्नातक किया है, ऐसा करके बता सकते हैं। आगे पीछे बोल सकते हैं, अपने हिसाब से जमा लीजिए,
या वहाँ जैसा निकल जाता है एक फ्लो में बोलूँ। बहुत अच्छा आप लोगों ने बोला, जिन जिन से भी परिचय पूछा गया मैक्सिमम लोगों ने बोला, जो वो वाली क्लास अटेंड नहीं किए थे वो ही उसमें थोड़ा बहुत गलती कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या बताने, क्वालिफिकेशन के बाद आपका अगर पुराना कोई जॉब एक्सपीरियंस है वो बताना है, या और कोई शैक्षणिक योग्यता है, और कोई ट्रेनिंग आपने ली है वो बताना है, ठीक है। और अंत में आपको अपनी हॉबी बताना है। हॉबी के बारे में भी जैसे चर्चा किए हम लोग इंटरव्यू के दौरान, कि क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, उन सब चीज़ों पे भी अभी फिर से बात होगी। आप लोग भी जैसा उस दिन बोले थे कि अपने क्वेश्चन तैयार कर लेना, अपने डाउट्स तैयार कर लेना, कि मैं ये बोलना चाहता हूँ ये सही रहेगा क्या, ऐसा करके जो भी आपके सवाल होंगे वो पूछ सकते हैं। तो अभी आज के सेशन में पहला सेशन मतलब मेरा है, मैं नॉर्मली बात करूंगा पुलिस विभाग से संबंधित जो भी चीज़ें पूछ सकते हैं। और एक कह सकते हैं, अभी आप तो पुलिस अधिकारी बने नहीं हैं, डीप नॉलेज विभाग के बारे में या विभाग के कार्यों के बारे में डीप नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा इंटरव्यू में। लेकिन चूँकि ऐसा यह पद है जो लोगों से जुड़ा है, जैसा आप सब खुद समझते हैं और कईयों ने बोला कि जनता के बीच में जुड़ के काम करना पड़ता है, अधिकतर लोगों का पुलिस से कभी ना कभी, किसी भी अधिकारी से, पुलिस विभाग के या थाना से, कि हर किसी का पाला जरूर पड़ा है। मतलब किसी ना किसी को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ी है, हर कोई देखा हुआ है कि काम क्या है, कैसा है, किस तरह से है। तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, पुलिस विभाग के बारे में क्या समझते हो, क्या बोलते हो, या पहले से ही धारणाएं होती हैं। देखिए पुलिस, आप हिंदी सिनेमा में कोई भी ऐसा नॉर्मल मूवी जो किसी एक ही थीम पे बेस्ड नहीं है, ऐसी मूवी जिसमें हर चीज़ है, एक्शन है, ड्रामा है, स्टोरी है, कोई अगर देखेंगे 95% मूवीज़ में कहीं ना कहीं पुलिस आता ही है कि नहीं। मतलब सोच सकते हैं आप लोग, कोई भी मूवी सोच सकते हैं, छोटा थोड़ा बहुत कोई ना कोई रोल आता ही है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ सकते हैं कि आम जीवन में है ना कहीं बहुत सारी जगहों पे जो पुलिस है आम लोगों की बहुत सारी सहायता करता है। पुलिस का काम बहुत वास्ट है, एक सीमित दायरा नहीं है, ठीक है। हालांकि नियम जो है, नियम कानून वो सीमित है, वो लिखित हैं, लेकिन कार्य लिखित नहीं है कि केवल यही कार्य है। कार्य क्या है, समय के साथ और ज़रूरत के अनुसार बदलती रहती है। कुछ कार्य हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कर्तव्य हैं हर एक अधिकारी का, उनके पद के अनुसार उन्हें क्या कार्य करने हैं, उनके क्या दायित्व हैं, ये निर्धारित हैं, है ना। कुछ संहिताएँ हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पुलिस विभाग की जो संरचना है, ये है क्या पेन, संरचना संरचना जो है उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि कितने
और जैसे कि हायरार्की मैंने बताया था पहले दिन, आप लोग मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि सबसे ऊपर में कौन है, पुलिस विभाग के जो पुलिस अधिकारी होते हैं DGP महोदय होते हैं, उनके नीचे अगर रैंक वाइज देखा जाए तो ADG होते हैं। अब DGP जो है एक होते हैं, ठीक है, लेकिन पुलिस विभाग में अंदर में ही कई सारे अनुविभाग हैं, 12 अनुविभाग हैं अलग अलग, ठीक है, तो उनके अलग अलग ADG या फिर संबंधित रैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है, तो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, एक सिंपल सा हायरार्की देख लेते हैं। DGP को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पुलिस महानिदेशक। इसके इनके बाद जो रैंक में आते हैं, जो रैंक आता है, जैसे DGP मैंने बोला एक ही DGP है, ठीक है, लेकिन जितने अनुविभाग हैं उतने ADGP एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ठीक, ये तो जानते ही हैं, एडिशनल हो गए। इनके बाद आते हैं IGP, क्या है ये हिंदी में, पुलिस महानिरीक्षक, ठीक। IGP के बाद आते हैं सीधे DIG बोल देते हैं, है ना, DIGP क्या होते हैं, डी से क्या होगा, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक। डेप्यूटी को क्या बोलेंगे हिंदी में, उप बोलेंगे, है ना, DIGP। फिर इसके बाद आते हैं SSP, ASP, DSP, ठीक। ये सभी गैजेटेड पोस्ट हैं पुलिस विभाग में, ठीक है, गैजेटेड मतलब राजपत्रित। क्या होता है राजपत्रित अधिकारी का अर्थ, राजपत्रित या अराजपत्रित कहने का कुछ अर्थ है, अर्थ होगा तभी तो दो अलग अलग नाम है, मतलब कोई जानता है, हाँ ठीक है, लेकिन जैसे राजपत्रित अधिकारी मतलब राजपत्र समझते हैं, गजट है ना, गजट उससे संबंधित कुछ होंगे, समझ रहे, मतलब राजपत्रित अधिकारी ऐसा समझ लीजिए कि जिनकी नियुक्ति कि सूचना जो है गजट में प्रकाशित होती है, गैजेटेड अधिकारी होते हैं। नॉन गैजेटेड जिनकी नियुक्ति की सूचना जो है गजट में नहीं प्रकाशित होती, गजट मतलब समझ रहे हैं ना, राजपत्र है ना, देखें फॉर्मेट सब लोग, ठीक, तो ये गैजेटेड पोस्ट होते हैं। और फिर इनके बाद नॉन गैजेटेड में होते हैं सब, अब तो जानते ही होंगे, इंस्पेक्टर TI बोल देते हैं, है ना, TI मतलब टाउन इंस्पेक्टर, हाँ, या फिर थाना इंचार्ज, SHO भी बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इंस्पेक्टर के बाद आते हैं SI, जो आप लोग बनने वाले हैं कुछ ही दिनों में, हाँ वही है, SHO ही है, ASI हेड कांस्टेबल, ठीक, सीनियर कांस्टेबल होते, ऐसा कुछ कोई पदोन्नति वाला वो क्रम नहीं है, जैसे आप कांस्टेबल हैं आपके समय जब हो जाएगा समयानुसार आप हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, ऐसा है बहुत समय तक आपका अगर कांस्टेबल के पद से प्रमोशन नहीं होता हेड कांस्टेबल पे तो आपको कहने लग जाते हैं सीनियर कांस्टेबल, ठीक, लेकिन सामान्यतः यही सब पद हैं।
अब देखिए अंतर कहाँ पे आता है, इस पद पे, यहां से कह सकते हैं हम, खैर स्पी, कमांडेंट पद सुने हैं, कमांडेंट एसपी के समकक्ष, एएसपी, इसको छोटा करके, चलो ठीक है, एएसपी, इनके समकक्ष कौन होते हैं, एसी, डीसी बोल देते हैं, डिप्टी कमांडेंट, और इनके समकक्ष होते हैं जिन्हें एसी बोलते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। अब ये समकक्ष हैं, यहाँ से अंतर कहाँ किस अनुसार आ रहा है, जो पुलिस का भाग है, जैसे एक बटालियन होता है, सुने सीएएफ, सबसे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस की बात करें, छत्तीसगढ़ पुलिस में तो इसके दो हिस्से हैं, एक जिला बल होता है और एक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। कितने लोग विभाग से हैं आप लोगों में से, है ना, तो जान रहे होंगे, एक जिला बल होता है और एक होता है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, सीएएफ जिसे कहते हैं। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना मध्य प्रदेश से अलग होके, जब तक दोनों एक थे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तब तक इसे एसएएफ कहा जाता था, स्टेट आर्म्ड फोर्स, ठीक है, आर्म्ड फोर्स, सी से तो समझते हैं, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स, ठीक है, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स, फोर्स, सीएफ है। तो इस तरह के दो फोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, कुछ समझ में आता है सोचने से, नहीं समझ सकते, नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, जो विभाग में रहते हैं वो जानते हैं अक्सर, लेकिन देखिए जैसे आम जनजीवन में जहाँ पुलिस की आवश्यकता होती है, कहाँ होती है, क्या मतलब जो पुलिस के कार्य हैं उन्हीं क्षेत्रों में पुलिस की आवश्यकता होती है, जैसे काम, कोई क्राइम होता है उसका डिटेक्शन, कोई क्राइम हो गया है उसका डिटेक्शन या फिर होने वाला है उसका प्रिवेंशन, उस क्राइम को रोकना, ठीक है, इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, है ना, लॉ एंड ऑर्डर अगर जैसे बोलते हैं तो समझ में आता है कि लॉ है, कोई कानून है, ऑर्डर है, मतलब कुछ निश्चित चीज़ें हैं उनका पालन होना चाहिए, है ना, तो अभी इन्हीं सामान्य शब्दों को रखेंगे, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर को, बाद में इसमें और डिटेल में जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये पुलिस का काम है, वीआईपी की सुरक्षा करना, ठीक है, इस तरह के काम हैं। लेकिन जो जिला बल है वो आप देखते हैं कहीं भी जाएंगे अपने राज्य में, हर जगह जिला बल का एक जो मेन यूनिट या सेंटर कह सकते हैं क्या होता है, एक थाना सामान्य तौर पर हम समझते हैं, है ना, तो चलिए थाना को ही एक मेन यूनिट समझ लेते हैं, जहां आम जनता जो है पुलिस से संपर्क में आती है, ऐसे फील्ड में आते ही हैं लेकिन जब जनता को आवश्यकता होती है तो कहाँ जाते हैं, थाना जाते हैं, है ना, थाना जाते हैं, तो जो जिला बल है वो थाना स्तर पर रहते हैं, उस तरह के काम करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स एक स्पेशल फोर्स है, आर्म्ड फोर्स है, सशस्त्र बल है, जब आवश्यकता होती है वैसे कार्यों की, जहाँ पे सशस्त्र होकर कुछ विरोध को रोकना है या कोई लड़ाई लड़नी है या जहाँ अधिक बल की आवश्यकता होती है, तब
तब इन्हें काम में लिया जाता है, एक तरह से रिजर्व फोर्स समझ सकते हैं। ठीक है, अगर भारत में, भारत के संदर्भ में बात करें हम, तो डिफेंस जो हम बोलते हैं उसमें एक सेना है और एक CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है ना। बहुत लोग नहीं सुने हैं, CRPF बोलूँगा तो बहुत लोग समझ जाएंगे, CRPF, ITBP, असम राइफल, BASF है ना, CISF, SSB, सशस्त्र सीमा बल है ना, बहुत लोगों ने सुना है। लेकिन इस सात तरह के फोर्स, जैसे सेना को छोड़ के बाकी जो मैंने सात तरह के फोर्सेस बताए हैं, ये क्या हैं? CAPF, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, ये CAPF है, इनमें कौन कौन आते हैं? सबसे बड़ी जो फोर्स है CRPF, CISF, BSF, SSB, कितने हो गए? चार हो गए। असम राइफल्स, ITBP और एक दो चार पांच, असम राइफल्स, SSB और एक अभी याद आता है तो उसको ऐड करवा देता हूँ। NSG नहीं है, NSG क्या है, स्पेशल यूनिट जैसे हैं वो सब। ठीक है, जो बड़ी बड़ी फोर्सेस हैं विशेष कार्यों के लिए जिनकी आवश्यकता होती है ना, उनका, इनका गठन विशेष कार्यों के लिए। जैसे कि CRPF कहाँ दिखता है आप लोगों को? रिजर्व फोर्स है, मतलब कहीं भी एक बटालियन बना के दिखता है। इनका थाना होता है क्या? नहीं होता, इनका एक बटालियन होता है कहीं पे। और क्या होती है इनकी कंपनी, बटालियन, कंपनी, प्लाटून क्या होता है ये भी बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, हो सकता है सीरीज जो है इधर से उधर हो, आप लोग नोट करते जाइएगा, उसको एक चैनल में कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इनके अलावा और क्या होता है डिफेंस का हिस्सा? सेना, जो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हिस्सा है सेना। ठीक है, आर्मी जिसे कहते हैं, ठीक है, आर्मी, आर्मी के कितने हिस्से हैं? आ जाओ, आर्मी, आर्मी में क्या क्या आते हैं? हाँ, सभी जानते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना है ना, वो सेना है। और CAPF ये पुलिस फोर्स है। ठीक है, दोनों के कार्यों का अंतर देखिए, अंतर समझिए। किसी भी राष्ट्र को दो तरह के खतरे होते हैं, जो सिक्योरिटी का इशू है उसको दो स्तर पर देखते हैं, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी और एक इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। सेना का कार्य क्या होता है? बाह्य सुरक्षा का। ठीक, मतलब दूसरे देश से अगर युद्ध होता है, वैसे हमारा देश, हमारे देश की नीति सुरक्षा के मामले में पहले आक्रमण करने के नहीं है। ठीक है, बचाव करने की नीति, मतलब अगर हमारे ऊपर हमला होता है तब हम उसका बदला लेंगे। हम किसी देश से बदला लेने, उसका क्षेत्र हड़पने के लिए हम हमला कभी नहीं करते। ठीक है, तो अगर किसी देश ने हमारे ऊपर हमला किया तो सबसे पहले उसे सामना करना पड़ता है आर्मी का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है एक्सटर्नल सुरक्षा, जो बाह्य सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी आर्मी की है तो केवल वही करता होगा। अलग अलग क्षेत्रों में जैसे CRPF है, BSF है, BSF समझ सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल, नाम से ही समझ में आ रहा है BSF है ना, सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। तो किसी विशेष सीमा में जैसे भारत पाकिस्तान, ठीक है, और भारत बंगला, असम राइफल्स या ITBP, ठीक है,
आईटीबीपी का क्या मतलब है? बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका मतलब ये सभी भी सीमा की सुरक्षा में, बाहरी ताकतों से देश की सुरक्षा में आर्मी का साथ देते हैं, ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर बाह्य सुरक्षा को खतरा होता है तो सबसे पहले बचाव के लिए आर्मी होती है, ठीक है, आर्मी हो गई और फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अब जैसे हम बताया कि सेना का होल सोल काम क्या होता है, बाह्य सुरक्षा के लिए, और CAPF क्या है, जहाँ पे आवश्यकता है, चाहे वो बाह्य सुरक्षा में चाहे आंतरिक सुरक्षा में, ठीक है, वहाँ उनको डिप्लॉय किया जाता है। CISF का काम क्या होता है, नाम से ही पता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो जो केंद्रीय स्तर की महत्वपूर्ण जगहें हैं, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए, कोई बड़े जैसे पावर प्लांट है, NTPC से जाएंगे तो वहाँ से ऐसे BSP हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, इस तरह के जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, बहुत महत्व की जगहें हैं, वहाँ उनकी सुरक्षा का काम CISF का रहता है। कोई महत्वपूर्ण इमारत है ना, जैसे विक्टोरिया पैलेस, ताजमहल, ये सब चीज़ें हैं, उनकी सुरक्षा का काम किनका है, CISF का। तो इस तरह से इनके सभी के अलग अलग काम भी हैं पहले से निर्धारित, क्योंकि उस काम की आवश्यकता के अनुसार उनका गठन भी हुआ है, पहले से निर्धारित भी हैं, साथ ही साथ अन्य जैसे कार्य समय समय पर जो जरूरत पड़ता है, जैसे इलेक्शन ड्यूटी है ना, हमेशा तो आवश्यकता होती नहीं, विधानसभा चुनाव होता है राज्यों में, लोकसभा चुनाव होता है पूरे देश में, तो उस समय जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है सुरक्षा की, वहाँ इनका उपयोग किया जाता है, सेना का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है, ये समझ में आया। तो जैसे देश के परिप्रेक्ष्य में सेना और CAPF हैं, वैसे ही राज्य को अगर देखें तो जिला बल और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल है, जहाँ पे जिला बल का एक काम निर्धारित है कि आपको जो आंतरिक सुरक्षा है, खैर दोनों ही आंतरिक सुरक्षा से लड़ने के लिए हैं, नॉर्मली ये जो है सिविल क्षेत्रों में जो अपराध होते हैं उन्हें रोकने के लिए इनका गठन किया गया है जिला बल का, और CAF जो है जहाँ पे उनकी आवश्यकता पड़ी, जैसे हमारे राज्य की एक सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, नक्सलवाद, तो CAF क्या है, अधिकतर जो CAF के बटालियन की कंपनीज जो हैं वो नक्सल क्षेत्रों में डिप्लॉयड हैं, ठीक है। उसके बाद भी जितना भी लगभग 70,000 का पुलिस बल है हमारे छत्तीसगढ़ में CAF DF को मिला के, उसके बाद भी उन क्षेत्रों में और अधिक बल की आवश्यकता है, इसी कारण से हमने केंद्र सरकार से CRPF, SSB, BSF इन सब को मांग कर उन जगहों पे जो है नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए डिप्लॉय किया गया है अलग अलग कैंप बनाकर, ठीक है। कुछ ज़्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है, मतलब लंबा शब्द हो जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ छूट जा रहा है, समझ में आ रहे हैं? खैर बहुत सारी चीज़ें सामान्य हैं, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया जो किसी को ना पता हो सकता है ये, या जैसे सेना CAPF, बहुत लोग क्या हैं इसको दोनों एक ही में समझ लेते हैं, है ना, एयरफोर्स नेवी ये सब चीज़ें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इनमें या इनमें क्या अंतर है, तो वो होती है सेना आर्मी और ये होता है CAPF। जैसे कई लोग इंटरव्यू में बोल रहे थे ना कि पहले से ही डिफेंस में जाने का शौक था, है ना, तो डिफेंस मतलब क्या होता है पूछेंगे, तो डिफेंस के दो स्तर हैं ऐसा करके आप बता सकते हैं, एक देश की रक्षा के लिए, एक बाह्य खतरों से रक्षा, एक आंतरिक मामलों से सुरक्षा, ठीक है, डिफेंस। तो आप बता सकते हैं कि मैं आर्मी में जाना चाहता था या फिर आप CAPF में जाना चाहते थे, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रल आर्म, तो जैसा मैंने बताया 2000 तक SAF था, SAF कहा जाता था, लगभग 12 के आसपास बटालियन थी यहाँ पे SAF की, और वर्तमान में कितनी बटालियन है, 22 बटालियन है ना।
सीएफ वाले जान रहे हैं ना, हो सक आप लोग से पूछेंगे बटालियन क्या है, ठीक है, या कितनी नफड़ी होती है, नफड़ी नफड़ी मतलब समझते हैं। चलिए बात करते हैं धीरे धीरे। हाँ तो ये क्लियर हो गया, दो हिस्से हैं। हाँ अब मैं ये बता रहा था, इस स्तर पे क्षेत्र के अनुसार पद के नाम बदलते जाते हैं, रैंक सेम होता है, ठीक है। जैसे एएसपी के समकक्ष कमांडेंट हैं, एएसपी के समकक्ष डिप्टी कमांडेंट हैं, और डीएसपी के समकक्ष असिस्टेंट कमांडेंट हैं, इंस्पेक्टर, ठीक है। इन्हें बटालियन में सीएफ में क्या कहा जाता है, सीसी, कंपनी कमांडर, ठीक है। इनके समकक्ष कौन होते हैं, प्लाटून कमांडर, पीसी, और कोई होते हैं समकक्ष, सूबेदार, इनके समकक्ष और एक होते हैं आरआई। आरआई का मतलब कितने लोग समझते हैं जो विभाग से नहीं है, कोई एक बताइए। हाँ रिजर्व इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा, रिजर्व इंस्पेक्टर। एएसआई के समकक्ष भी होते होंगे, एपीसी, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ही है, और कांस्टेबल, ठीक है। अब कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर और बटालियन, ठीक है, बटालियन हिंदी में क्या बोलते हैं, वाहिनी, वाहिनी है ना। कमांडेंट को क्या कहते हैं, सेनानी, ठीक है, दोनों चीज़ें पता रहे, ठीक। अभी तो आप लोग इस परीक्षा के लिए तैयारी करें, इसमें सेलेक्ट होने के लिए, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सूबेदार, इनके काम क्या होते हैं, आप सभी लोगों ने अभी हाल ही दिनों में जानने का प्रयास किया होगा, है ना, ठीक है, बहुत हद तक। हाँ हाँ वो सब इंस्पेक्टर ही हैं, उन सब ब्रांच में उनका नाम सब इंस्पेक्टर ही कहा जाता है, रैंक का नाम, उस पद का नाम, ठीक है, प्लाटून कमांडर और सूबेदार, ठीक। अब ये बताइए, इंस्पेक्टर तो समझ में आया, जो थानों में होते हैं तीन स्टार धारी उन्हें इंस्पेक्टर कहते हैं, कंपनी कमांडर भी समझ में आए, जो बटालियन में होते हैं, जो सीएफ में होते हैं, जो तीन स्टार धारी उन्हें कंपनी कमांडर बोलते हैं। आरआई, आरआई कहाँ होते हैं, पुलिस लाइन में, ठीक, बहुत अच्छी बात है, पुलिस और लाइन, ठीक, पुलिस लाइन में, और इसको हिंदी में क्या बोलते पता है, रक्षित निरीक्षक, ठीक है, रक्षित निरीक्षक। पुलिस लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आरक्षी केंद्र, आरक्षी केंद्र। अब ऐसा नाम क्यों पड़ा आरक्षी केंद्र, कोई बताएगा, हाँ कोशिश करो, हाँ 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 ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। ये अभी रैंक समझ में आ गए आप लोग को, रैंक एक अगर बोला जाए तो पूछ सकते हैं, ठीक है, रैंक किस स्थान पर होते हैं ये भी बात कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी इसको किसी को कुछ नोट तो नहीं करना है, इसमें इसे मिटा सकते हैं, जो तलवार वाला इंसान है,
उसको तलवार ही कहते हैं नॉर्मली तो, है ना। क्रॉस तलवार किस रैंक से चालू हो जाता है? आईजी रैंक से। ठीक है, जिला पुलिस या ऐसा कर लेते हैं सर, डीआईजी और एसएसपी में क्या अंतर है? हाँ ठीक है, डीआईजी एसएसपी, ठीक है, एक रैंक ऊपर है। एसपी के बाद एसएसपी होते हैं, उसके बाद डीआईजी बनते हैं। स्टार में फ़र्क है, रैंक में फ़र्क है, उनके कार्यों में फ़र्क है। अब देखिए, राज्य है, फिर क्या आते हैं पुलिस के हिसाब से देखें तो पुलिस रेंज, जिसे राजस्व के अनुसार क्या बोलते हैं, संभाग बोलते हैं। फिर जिला, है ना, राज्य, पुलिस रेंज, जिला, जिला के बाद अनुविभाग, अनुविभाग और एक क्षेत्र बोल सकते हैं किसी एरिया में, थाना क्षेत्र। थाना क्षेत्र और ठीक है, चौकी भी बोल सकते हैं, या थाना या चौकी। ये पुलिस विभाग में, पुलिस विभाग में जो कार्य प्रणाली है उसके अनुसार राज्य के क्षेत्र को ऐसे बांटा गया है। ठीक है, आप बोल रहे थे ना डीआईजी एसएसपी क्या अंतर है। एसपी, एसपी जो होते हैं जिला बल में, जिला में पुलिस प्रमुख होते हैं। ठीक है, एसपी जो है कुछ वर्षों बाद उनमें भी, जैसा आप मैनुअल देखेंगे इंडियन पुलिस सर्विसेज का, तो जो टेन्योर है, जिस जितने साल एसपी रहने के बाद या जब से आप सिलेक्शन हुए हैं, सेलेक्टेड हुए हैं, उस पोस्ट पे आए हैं, उसके कितने वर्षों की सेवा के बाद आप एसएसपी बनते हैं, डीआईजी बनते हैं, वो सब उसमें निर्धारित है। ठीक है, तो जैसे एसपी बन के आप क्या बन सकते हैं, जिला पुलिस के हेड बन सकते हैं, है ना, पुलिस अधीक्षक जिला। उसके बाद एसएसपी बनते हैं तो क्या अंतर आता है, यहाँ पे एक स्टार होता है और जो होता है अशोक, अशोक चक्र जो रहता है। अब तो बनाऊंगा नहीं, लेकिन बस ऐसे ही बनाना मुश्किल है थोड़ा। ठीक, ऐसा एसएसपी के में दो स्टार आ जाता है। ठीक, डीआईजी साहब जब बनते हैं तो उनमें तीन स्टार आ जाता है। ठीक, तो एक तो रंग है। अब इनकी पदस्थापना कहाँ पे होती है देखा जाए तो एसपी रैंक पे जिला में पुलिस अधीक्षक जिला, या फिर बटालियन में रहते हैं तो कमांडेंट, है ना, सेनानी, या फिर पुलिस मुख्यालय में रहते हैं तो एआईजी भी कहते हैं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, है ना। अब मैं इसको बताऊंगा समकक्ष में क्या क्या पद होते हैं, ऐसा करके उसमें बताता हूँ। तो एसपी हैं तो आप जिला पुलिस के अधीक्षक हो सकते हैं, एसएसपी हैं तब भी आप रह सकते हैं। अभी वर्तमान में कई जगह जो डीआईजी साहब लोग हैं वो भी जिला पुलिस अधीक्षक हैं, है ना। वैसे डीआईजी का क्या होता है, डीआईजी का रैंक जो है कुछ जिलों के ऊपर एक डीआईजी, जैसे बस्तर संभाग में, बस्तर जो रेंज कहा जाए, रेंज की बात करेंगे क्योंकि पुलिस है, राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन में क्षेत्र के अनुसार संभाग स्तर तक कोई अंतर नहीं है, जिला स्तर तक भी कोई अंतर नहीं है। जैसे जितने संभाग हैं उतने ही पुलिस रेंज हैं। ठीक, हाँ, एक बढ़ा है, कौन सा रेंज, कब बना? सॉरी, मैं मतलब अपडेट नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, बहुत दिनों से, मैं बाद में उसकी बात करूँ। ठीक,
ठीक है, जब उससे पहले जब देखें तो जितने संभाग थे उतने ही पुलिस रेंज थे। ठीक है, वन विभाग की बात करें तो उसमें क्या होता है, जैसे राजस्व विभाग में संभाग है, क्षेत्र के अनुसार बंटवारा करें तो संभाग, पुलिस विभाग में क्षेत्र उस हिस्से को क्या बोलते हैं, रेंज, और वन विभाग में सर्कल, सर्कल बोलते हैं ना, वन वृत्त आप लोग पढ़े होंगे जीएस पढ़ते समय, तो ऐसा है। तो पुलिस में क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, तो कितने रेंज हैं, छः। और जिला, फिर जिला को क्या बोलते हैं, पुलिस जिला, पुलिस प्रशासन में जिला को पुलिस जिला बोलते हैं, नॉर्मली जिला बोल देते हैं। ठीक है, तो पुलिस जिला। उसके बाद अनुविभाग, तो जितने अनुविभाग हैं, अनुविभाग क्या होता है, अगर जिलों को कई टुकड़ों में बांटें, छोटे हिस्सों में करें, तो क्या बनते हैं, अनुविभाग। अब राजस्व विभाग के अनुविभाग अलग हो सकते हैं, राजस्व विभाग में अनुविभागीय अधिकारी कौन होते हैं, SDM होते हैं, पुलिस विभाग में SDOP, ठीक, या CSP भी बोलते हैं शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, ये हो गया अनुविभाग। अब अनुविभाग को और छोटे हिस्सों में बांटें तो थाना क्षेत्र होगा। थाना क्षेत्र जो है, थाना क्षेत्रों को अलग अलग चौकियों में नहीं बांटते। ठीक है, जैसे एक थाना क्षेत्र है तो उसमें कई चौकियां होंगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक, इसके नीचे एक और चीज आता है, पुलिस सहायता केंद्र। पुलिस सहायता केंद्र देखे होंगे कई अस्पतालों में, पुलिस, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में पुलिस सहायता केंद्र होता है, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होता है, जहाँ लोगों को अक्सर आवश्यकता पड़ते रहती है, तो वहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र होता है। तो पुलिस प्रशासन को सुगमता से चलाने के लिए राज्य के क्षेत्र को इन हिस्सों में बांटते हैं। कैंप की बात अलग से करेंगे। ठीक है, पुलिस सहायता केंद्र, ठीक, पुलिस सहायता केंद्र जो है ये SP महोदय के आदेश से बन सकता है। ठीक, लेकिन थाना चौकी, थाना क्षेत्र और ये सब जो है राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, राजपत्र में अधिसूचना मतलब समझ रहे हैं, राज्य स्तर पर जो आदेश निकलते हैं उसके द्वारा ही इनका गठन होता है। ठीक, लेकिन पुलिस सहायता केंद्र अगर किसी जगह में आवश्यकता है तो SP महोदय जो हैं जिला के, वो अपने विवेक के अनुसार वहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र खोल सकते हैं। ठीक है, बाद में पुलिस सहायता केंद्र जो है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, पुलिस सहायता केंद्र को चौकी में कन्वर्ट किया जाता है। चौकी जहाँ पे चौकी है और वहाँ पे अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनता अधिक है, वहाँ पे फिर उस चौकी को थाना में बदला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सब जो है राजपत्र में प्रकाशित होकर, जैसे कि कोई नया तहसील की घोषणा होती है, नए जिलों की घोषणा होती है, ठीक है, CM साहब उसकी घोषणा करते हैं, लेकिन लिखित दस्तावेज के रूप में वो अधिसूचना, वो गजट उसमें प्रकाशित होता है कि आज से इस जिला का गठन, इस हिस्सों को काट कर उसका क्षेत्र निर्धारित रहते हैं, वो बताते हैं ये जिला घोषित किया जाता है, ऐसा करके। वैसे ही थाना क्षेत्र को भी, इस क्षेत्र को ये थाना जैसे पहले यहाँ पे चकरभाटा चौकी ऐसा करके था ना, सकरी में चौकी था, है ना, चकरभाटा थाना से संबंधित था सकरी चौकी, अब धीरे से वो थाना बन गया। तो जैसे जैसे जनता मतलब पॉपुलेशन बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है, उसके अनुसार ये थाना क्षेत्र का जो गठन है कैसे निर्धारित करते हैं, पॉपुलेशन के अनुसार से, कोई निश्चित उसका पॉपुलेशन नहीं है कि इतने गांव या इतनी जनसंख्या, ऐसा नहीं है। जैसे बिलासपुर में लगभग 20 या 20 से अधिक थाने हैं। ठीक है, एग्जैक्ट फिलहाल मुझे नहीं जानकारी है, 21 है ना, और जैसे नारायणपुर का मैं हूँ, वहाँ पे 14 थाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से उस क्षेत्र के पॉपुलेशन के अनुसार वो जो है
राजपत्र में प्रकाशित कर थाना क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो ये हो गया राज्य स्तर पर पुलिस विभाग में अगर देखा जाए तो कौन होते हैं, डीजीपी साहब जो हैं पुलिस के मुखिया होते हैं, पुलिस रेंज में आईजीपी, जिला में एसपी, और यहीं पे ही एसएसपी भी हो सकते हैं, और इनके बीच में डीआईजी। जैसे मैं क्या बता रहा था, बस्तर रेंज में 7 जिले हैं, ठीक है, तो उसे 2 डीआईजी सर के, मतलब उन 7 जिलों के लिए 2 डीआईजी सर हैं जो उनका कार्य देखते हैं, उन जिलों का कार्य, मतलब एक जो है कांकेर रेंज, कांकेर सब रेंज, और एक बस्तरपुर या दंतेवाड़ा सब रेंज करके, मतलब एक दंतेवाड़ा में डीआईजी साहब का ऑफिस है और एक डीआईजी साहब का ऑफिस कांकेर में है, ठीक है, एक रेंज के लिए 2 डीआईजी, इस तरह से उनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, अनुविभाग में होते हैं, सीएसपी सुने हैं, मतलब सुने हैं, लेकिन क्या होता है सीएसपी का फुल फॉर्म, सीटीएसपी। हाँ ठीक, थाना क्षेत्र में जो होते हैं, अब यहाँ पे इंस्पेक्टर एसआई, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या कई जगह एसआई को भी जो है पुलिस थाने का प्रभारी, है ना, थाना प्रभारी, थाना इंचार्ज या एसएचओ जो भी बोले वो बना सकते हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एएसआई, चौकी के प्रभारी होते हैं एएसआई होते हैं या एएसआई होते हैं, पुलिस सहायता केंद्र में कोई एक हेड कांस्टेबल या को भी थाना प्रभारी बना सकते हैं, ट्रेनिंग के दौरान बनाते हैं, ऐसे अब तक तो नहीं बनाए हैं, ठीक है, कहीं नहीं बनाए हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ वही चीज़। तो अनुविभाग में देखिए ये सब क्या है, उस पद के नाम हैं, इसमें किस रैंक के अधिकारी होते हैं, डीएसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं। अब जैसे ये क्या है, ये रैंक हैं, दो चीज़ें ध्यान देना आप लोग, एक रैंक होता है और एक उस पद का नाम होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया डीएसपी रैंक के अधिकारी जो होते हैं वो अगर सब डिवीज़न में है ग्रामीण क्षेत्रों में तो एसडीओपी कहते हैं, शहरी क्षेत्रों में है तो उन्हें सीएसपी कहते हैं, यदि मुख्यालय में उनकी पोस्टिंग होती है, ठीक है, तो उन्हें डीएसपी ही कहते हैं, मतलब जो उनका रैंक है वही उनके पद का नाम हो जाएगा, समझ में आया। तो जैसे या फिर डीएसपी, सिर्फ डीएसपी भी कहते हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर हो गया, डीएसपी मुख्यालय, डीएसपी ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक के हो गए, एजे के, अजाक थाना जो होता है जहाँ पे एससी एसटी एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत जो मामले हैं वो दर्ज किए जाते हैं, अजाक थाने हो गए, अजाक डीएसपी कर गए, और भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस तरह के और भी पद जो हैं क्रिएट किए गए हैं डीएसपी के। हाँ बिल्कुल, जो ट्रैफिक पुलिस हैं वो भी पुलिस का ही हिस्सा है, मतलब जो जिला बल है उसी के ही हिस्सा है, ठीक है, वो जिला बल के ही सिपाही या और अधिकारी जो होते हैं जो ट्रैफिक में आपको दिखते हैं ना, ठीक है, जो वाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं। तो जैसे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, ठीक है, इस रैंक तक वो वाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं, उसके ऊपर जैसे जाते हैं तो नॉर्मल जो जिला पुलिस के जो अधिकारी जैसा पहनते हैं खाकी कलर का, वैसा ही वर्दी पहनते हैं। तो ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक क्या है, जिला पुलिस बल का ही हिस्सा है, ट्रैफिक की जिम्मेदारी जिला पुलिस की है ट्रैफिक मेंटेन करने की, ठीक है, तो उसी का एक हिस्सा जो है उन्हें बना दिया गया है, और चूंकि उनका काम उस तरह से है इसलिए उनकी वर्दी थोड़ी अलग है कि अलग से दिख जाएँ, दूसरा धूप वगैरह में खड़े रहते हैं तो ये कुछ इस तरह से सोच के उनका ड्रेस जो है, हेड जो है वो अलग तरह का है गोल, ठीक है, जैसा उनका काम है उसी के अनुसार वो किया गया है। सर,
हाँ देखिए, हमारे राज्य में जो पुलिस की संरचना है वो अलग है, जो जो पद मैंने आपको बताया उस तरह से, ठीक है, अलग अलग राज्यों में वो अलग अलग हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी लगभग ऐसा ही है, छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में तो है ही, मध्य प्रदेश में भी लगभग ऐसा ही है। बाकी दूसरे राज्यों में जैसे यूपी हो गया, यूपी है, बिहार है, यहाँ पे सीओ कहते हैं, डीएसपी रैंक के अधिकारी, जो एचडीओपी सीएसपी बताया, सर्कल ऑफिसर है ना, सीआई कहते हैं, सर्कल इंस्पेक्टर, जो टीआई में, इस तरह के, वैसे अलग अलग ना। अब जैसे आपने बोला एसीपी, ये जो है डीएसपी रैंक के समकक्ष है, ठीक है, हाँ, ये मैं भी किसी से पूछा था ना इंटरव्यू में, तो अच्छा, और कोई पूछा है क्या, किसी ने पता करने की कोशिश किया है क्या? हाँ बताओ, हाँ हाँ यही रीज़न है, मेन रीज़न क्या है, क्योंकि वर्क 24 घंटे का जॉब है ना, किसी भी काम में उस काम को करने के लिए जो उपयुक्त कपड़े हैं वही पहने जाते हैं, ठीक है, जैसे आप नॉर्मल थान क्षेत्रों में क्या है, खाकी कलर निर्धारित है, ठीक है, खाकी क्यों निर्धारित किया गया, क्योंकि 24 घंटे का काम है, ऐसे ऐसे काम है, फील्ड में जाना है, कहीं भी जाना है, कोई नॉर्मल मान लो सफ़ेद, कई जगह सफ़ेद भी है ना, अलग अलग जगह, कई जगह नीला भी है इस तरह से, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे क्या है, मतलब हमारे देश में तो खाकी ही है, जो सामान्य पुलिस है उनका ड्रेस खाकी ही है, ठीक है, और कई दूसरे देशों में जैसा देखते हैं नीला कलर होता है, कई जगह काला कलर होता है, कई जगह हरा कलर होता है, इस तरह का रंग जो है वो डिसाइड करते हैं, लेकिन हमारे देश में जो डिसाइड किए, क्योंकि अंग्रेज छोड़ के गए थे, वही चीज़ें अपनाए हैं, उनका जो कारण था ये ऐसा करने का, क्योंकि हमेशा ये एक पुलिस अधिकारी को हमेशा तैयारी के साथ रहना पड़ता है, हमेशा मतलब कई घंटे कह नहीं सकते, कई दिनों तक लगातार ड्यूटी स्थल पे रहना होता है, तो उन चीज़ों में क्या है, गंदा ना हो जाए, कुछ गंदा कहीं ना हो जाए, बहुत देर तक वो काम आए, मतलब साफ दिखता रहे, वही रीज़न है जो सोच सकते हो आप लोग, अगर सामान्य तौर पे सोचे तो। मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं जब इंजीनियरिंग करते हैं या कॉलेज करते हैं, तो सफ़ेद कपड़ा या लाइट कलर का कपड़ा पहनने की कोशिश नहीं करते हैं, ताकि धोना ना पड़े, है ना, क्या होता है ऐसा, कुछ डार्क कलर का प्रेफर करते हैं, या चेक वाले, कि प्रेस करना ना पड़े डार्क कलर का, कि बार बार धोना ना पड़े, ऐसा सोच सकते हैं कॉमन सेंस की बात, ठीक है। दरोगा सभी जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं, सब इंस्पेक्टर को दरोगा कहते हैं, पहले दरोगा नाम था, अभी भी कई जगहों पे दरोगा बोलते हैं, है ना, हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर बोल देते हैं, कई पुराने लोग दरोगा ही बोलते हैं, है ना, ठीक। तो जैसे अभी हम देखते हैं कि सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी हैं, लेकिन जब अंग्रेजों का शासनकाल था, जब पुलिस प्रणाली उन्होंने लागू किया हमारे यहाँ, तो एक पुलिस रेगुलेशन बनाया, पुलिस विनियम, नियम 1861, ठीक है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, और पुलिस रेगुलेशन बनाया, इसमें जो है अगर आप जाएंगे विभाग में फिर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सर्वोच्च अधिकारी इस तरह के रूप में महानिरीक्षक, पुलिस के महानिरीक्षक ऐसा पढ़ेंगे, तो उस टाइम जो थे महानिरीक्षक बहुत बड़ा पद था, मतलब एक जैसे राज्य स्तर पे जितना बड़ा क्षेत्र है उतने का जो प्रमुख अधिकारी होता था पुलिस का, वो पुलिस महानिरीक्षक होता था, ठीक है। तो ठीक है, किसी ने पूछा एसीपी क्या होते हैं, जैसे कमिश्नरी प्रणाली जहाँ पर लागू होती है उन क्षेत्रों में डीएसपी रैंक के अधिकारी एसीपी कहलाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुंही में मतलब देखे ही होंगे, पुलिस कमिश्नर बोलते हैं ना, इनके ऊपर जब बनते हैं तो डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। इसके पीछे एक कारण है, लॉ एंड ऑर्डर,
सबको दिख रहे हैं, ये बीच में तो नहीं आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ही लिखा हूँ, कोई भारी चीज़ नहीं है। लॉ मतलब कानून, ऑर्डर मतलब एक निश्चित क्रम, ठीक है, या व्यवस्था। हिंदी में क्या बोलेंगे, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को बनाए रखना किसी क्षेत्र में, जैसे जिला को देखें तो किसका काम है, कलेक्टर महोदय का, ठीक है। जिले की कानून व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है, कलेक्टर साहब की होती है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारी जो एजेंसी है, बहुत सारे अधिकारी हैं, उनकी सहायता करते हैं, ठीक। सबसे उनके जो इसके बड़े भाग को जो मेंटेन करते हैं पुलिस अधीक्षक होते हैं, ठीक है। आप पुलिस रेगुलेशन जो इस ये बताया हूँ, पुलिस विनियमन, इसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अंतिम जिम्मेदारी कलेक्टर की है, और उनके अधीनस्थ रहकर ही पुलिस अधीक्षक कार्य करते हैं। लेकिन पुलिस अधीक्षक उनके अधीनस्थ अधिकारी नहीं हैं, ठीक है, उनके अधीनस्थ अधिकारी नहीं हैं। बस जो मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर को, पीस को, उसमें उनके अधीनस्थ रहकर कार्य करेंगे, ठीक है। ऐसा कहा जा सकता है कि जो कलेक्टर हैं वो वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो पुलिस अधीक्षक कनिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ नहीं हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझ गए, ऐसे देखते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था मेंटेन करना है तो नॉर्मली क्या लगता है कि पुलिस अधीक्षक ही होंगे होल से, लेकिन कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी होती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिक दंडाधिकारी एक शब्द सुने होंगे, है ना। तो जिला में जो सबसे बड़े कार्यपालिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर हैं, उनके नीचे SDM आते हैं, है ना। SDM नाम, SDM का फुल फॉर्म क्या है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, है ना। जैसे कलेक्टर को DM कहते हैं कई जगहों पे, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं, UP बिहार में क्या बोलते हैं, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक। हमारे यहाँ कलेक्टर, वैसे ही SDM को डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, मतलब उन क्षेत्रों में वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ भी डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली SDM नाम से जानते हैं, है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उसके बाद आते हैं तहसीलदार, वो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, नायब तहसीलदार भी होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये भी देखेंगे थोड़ी देर में। तो जैसे ये बताया मैं, ACP, DCP और कमिश्नर ऑफ पुलिस ये होते हैं, या पुलिस कमिश्नर बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा था, लॉ एंड ऑर्डर इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की है, साथ ही में पुलिस की है, सब डिवीज़न में देखें तो SDM की है, CSP, DSP की, ठीक। तो दोनों मिलके कार्य करते हैं, तो मिलके कैसे कार्य करेंगे, जैसे कि कोई भी कोई धरना प्रदर्शन है, ठीक है, धरना प्रदर्शन है, अगर वो विधि विरुद्ध हो जाता है, कोई भीड़ इकट्ठा हुई है, विधि विरुद्ध हो जाता है, कहीं तोड़फोड़ करने लगे, हिंसा करने लगे, तो क्या होता है, आप देखे होंगे लाठी चार्ज करते हैं, है ना, वाटर कैनन चलाते हैं, और कई जगहों पे जब भीड़ अधिक उग्र हो जाती है, हिंसक हो जाती है, पत्थरबाजी करने लगते हैं, तब उन पे आंसू गैस और गोलीबारी भी की जाती है, है ना। तो वो कौन करता है, काम कौन करता है, पुलिस के लोग करते हैं, लेकिन उनका आदेश कौन जारी करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, आदेश जारी कि ये किया जाए, वो आदेश जारी कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करते हैं, वो नायब तहसीलदार, SDM या स्वयं कलेक्टर साहब हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझे। तो मैं ये बता रहा था, जैसे जहाँ पे कमिश्नरी प्रणाली लागू होती है, मतलब उसके अनुसार कार्य होते हैं, तो जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, ठीक है, इनके पास मजिस्ट्रियल पावर होता है, जो मैं बताया ना, किसी भी इस तरह के आदेश की आवश्यकता होती है कि यहाँ पे लाठी चार्ज किया जाए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, हमारे क्षेत्र में क्या होता है, उनकी सहायता चाहिए, राजस्व के जो अधिकारी हैं और DM, कलेक्टर और DM, ठीक है, दोनों एक ही आदमी को बोलते हैं,
कलेक्टर, सब जानते हैं कैसे इस पद का नाम पड़ा, राजस्व इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे, तो कलेक्टर। तो जब राजस्व संबंधी कार्य करते हैं कलेक्टर कहलाते हैं, लेकिन जब एक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, ठीक है, डीएम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई लोगों ने देखा होगा कि सिविल मामलों पे सुनवाई करते हैं, है ना, जमीन संबंधी कोई विवाद होता है, इन सब मामलों पे क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर साहब, ये सब सुनवाई करते हैं ना, उनका एक अलग कोर्ट होता है, जानते हैं आप लोग, है ना, सभी जानते हैं। तो उनके काम को दो बड़े बड़े भाग में, एक राजस्व संबंधी कार्य और एक मजिस्ट्रेट संबंधी कार्य, मतलब दंडाधिकारी के कार्य करते हैं। तो मैं बताया कि इसमें जैसे क्या क्या कार्य होते हैं। अब मजिस्ट्रेट भी, जैसे मजिस्ट्रेट दो तरह के होते हैं ना, मजिस्ट्रेट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक होते हैं जुडिशियल और होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो आप कोर्ट देखते हैं, सामान्य तौर पर न्यायालय जिसे बोलते हैं, ठीक है, कैसे बोले, जैसे जिला न्यायालय है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो ये पक्ष क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है। और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिन्हें कार्यपालिक दंडाधिकारी कहते हैं, जो जैसे मैं बोला, इस पहले क्या था कि ये दोनों शक्तियां जो हैं एक ही व्यक्ति को दी जाती थी, ठीक है, बाद में इसे अलग किया गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो ये अधिकारी होते हैं राजस्व संबंधी, उन्हें दिया गया इसका कार्य, ठीक है। कई जगहों पे ये अलग भी हो सकते हैं, कई जगहों पे ये अलग भी हो सकते हैं, राजस्व संबंधी एक अलग अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए एक अलग अधिकारी, ठीक। तो दो तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं आम तौर पर जो सभी मामलों पे सुनवाई करते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, है ना, जितने भी नियम कानून कानून बने हैं अपराध के संबंध में उनकी सुनवाई ये करते हैं, या ऐसा कहें दीवानी, ठीक है, दीवानी मसले जमीन जायदाद से संबंधित, ठीक, दीवानी जो मामले हैं उनकी सुनवाई ये करते हैं। और ये किनकी करते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, दीवानी और फौजदारी दोनों करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन ये जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हैं, ये जो फौजदारी मामलों हैं उनकी सुनवाई नहीं कर सकते, ठीक, समझ गए। तो ये दीवानी मामलों पे जो सुनवाई होना है उनकी सुनवाई करने के लिए उनके पास अलग से कोर्ट रहता है। तो मैं अल्टीमेटली यही बताना चाह रहा था, जहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली है, ये इस तरह की जो शक्तियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पुलिस से संबंधित है, जैसे पुलिस को विवेचना के दौरान कई चीज़ों के लिए अनुमति चाहिए होता है कलेक्टर से या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि कहीं लॉकअप में किसी की मौत हो जाती है ना, तो उस टाइम पे मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, वो कौन करते हैं, राजस्व के जो अधिकारी होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वही लोग करते हैं, एसडीएम, तहसीलदार, ये लोग करते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें जो है राजस्व अधिकारी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पद पे हैं उनकी सहायता होती है, क्योंकि हमारे राज्य में कमिश्नरी प्रणाली लागू नहीं है, ठीक है। जिन राज्यों में, जिन महानगरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है वहाँ पे पुलिस कमिश्नर के पास जो डीएम की कुछ शक्तियाँ हैं पुलिस से संबंधित, वो शक्तियाँ रहती हैं, और इसलिए पुलिस कमिश्नर क्या है, उस क्षेत्र के, उस महानगर के लॉ एंड ऑर्डर के
अंतिम जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कलेक्टर में बताया ना, कलेक्टर होते हैं। इस चीज़ को याद रखना है ना, हो सकता है इंटरव्यू में ऐसे ही पूछ दें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतिम है, मतलब कौन जिला में कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो अगर ध्यान नहीं दिए रहोगे, थोड़ा सा कहीं नहीं सुने रहोगे या पढ़े नहीं रहोगे, तो लगता है कि पुलिस अधीक्षक होंगे, है ना, लेकिन कौन होते हैं, कलेक्टर होते हैं। तो ये चीज़ आया समझ में, एसीपी वाला भी क्लियर हो गया। और ये हायरार्की भी हो गया, हाँ, उसको उस पद को क्या बोलते हैं ये, ठीक है। अब जिला में, एक जिला को अगर आप देखें राज्य स्तर पर, अगर कार्यालय देखें राज्य स्तर पर, पुलिस विभाग का सबसे प्रमुख कार्यालय क्या है, सेंटर क्या है, PHQ बोलते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस मुख्यालय, है ना। ये तो सवाल नहीं पूछेंगे, बहुत कॉमन हो गया, कि राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, नवा रायपुर में, ठीक है। रेंज स्तर पर डीजीपी यहीं बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, उसके बाद मैंने बताया कि 12 और अनुविभाग हैं, उनके जो प्रमुख अधिकारी हैं वो सब भी वहीं बैठते हैं। इसके अलावा और भी बहुत शाखाएं हैं, जो पहला साइबर थाना है, साइबर फॉरेंसिक लैब है, वो भी पुलिस हेडक्वार्टर में है, PHQ में ही है, ठीक है। पुलिस रेंज में महानिरीक्षक कार्यालय, अब ये कार्यालयों की बात हो रही है ना, महानिरीक्षक कार्यालय की सेंटर कहाँ है। अब जिले में देखें तो तीन चीज़ें दिखती हैं जहाँ पे आपको पुलिस मिलेंगे। एक क्या है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दूसरा आप बटालियन ले सकते हैं या वाहिनी, जितने भी बटालियन हैं, और तीसरा पुलिस लाइन आरक्षी केंद्र। ठीक है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय होता है, यहीं पे ही पुलिस अधीक्षक महोदय बैठते हैं, साथ ही एडिशनल SP सर भी बैठते हैं। हमारे जो बिलासपुर ज़िला में है, एक पुलिस एडिशनल SP शहरी, एडिशनल SP ग्रामीण, दो लोग हैं, एक एडिशनल SP ट्रैफिक भी थे, फिलहाल नहीं है पद वो खाली, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन होंगे, SP होंगे, ASP होंगे, और DSPs होते हैं, उसके बाद और जैसे आवश्यकता अनुसार जितने ऑफिस में जितने स्टाफ है वो होते हैं। वाहिनी में यहाँ पे कमांडेंट होंगे, सेनानी, सभी जिले के लिए वाहिनी होना जरूरी, ये जरूरी नहीं है, मैं बताया ना 22 ही जिले, 22 ही बटालियन है ना, सभी जिलों में नहीं है। सेनानी हैं और DC जो बोलते हैं, ACCC, ये सब यहाँ होते हैं। आरक्षी केंद्र में कौन होता है प्रमुख, यहाँ होते हैं RI, रक्षित निरीक्षक, उसका नाम है, उसके पद का नाम है, आरक्षी केंद्र में रहता है, पुलिस लाइन में, ठीक है। अब मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये पद जो है, सूबेदार आप बनेंगे, सूबेदार से RI बनेंगे, ठीक है, तो RI या फिर आरक्षी केंद्र क्यों गठित किया जाता है, जैसे एक ने बताया कि रिजर्व फोर्स वहाँ रहता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, पुलिस के संबंध में के संसाधन, ठीक, अब संसाधन में जैसे अतिरिक्त फोर्स, ह्यूमन रिसोर्स है ना,
या फिर और कोई संसाधन जैसे हथियार, गोला बारूद, गाड़ियां, मोटर, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, या फिर बलवा ड्रिल का सामान, पुलिस विभाग को दिए जाने वाले और भी जो सामान है वो सब आरक्षी केंद्र में रहता है, रक्षित निरीक्षक के नियंत्रण में रहता है। रक्षित निरीक्षक की सहायता के लिए सूबेदार होते हैं, आमतौर पर दो सूबेदार होते हैं, ठीक है, और उनकी सहायता के लिए अन्य हेड कांस्टेबल, ASI ऐसे करके कर्मचारी रहते हैं, ठीक है। तो जैसा पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि सूबेदार हैं, सूबेदार क्यों बनना चाहते हैं या क्या काम है, ऐसा पूछते हैं ना, तो काम क्या है उनका कि सूबेदार जो हैं रक्षित केंद्र में या आरक्षी केंद्र में पदस्थ होते हैं, ठीक है, उनका कार्य है रक्षित निरीक्षक की सहायता करना, आरक्षी केंद्र से संबंधित कार्यों में रक्षित निरीक्षक की सहायता करना, ठीक है। रक्षित केंद्र जो है कुछ कुछ शाखाओं में बटे होते हैं, वाहन शाखा, स्टोर शाखा, इस तरह के आर्म्स शाखा, ठीक है। तो जैसे वाहन शाखा है, उसका काम बहुत पेचीदा है, बहुत सारी चीज़ें उनमें देखनी पड़ती है, तो आमतौर पर एक सूबेदार को वाहन शाखा का प्रभारी अधिकारी ऐसा बना देते हैं, ठीक है। दूसरे उसके साथ साथ अन्य शाखाएं भी दे देते हैं, और ऐसा जो जितने भी विभिन्न शाखाएं हैं, 8, 10, 12 शाखाएं होती हैं, उन्हें जो है सूबेदार को ही बांट दिया जाता है, ठीक। तो सूबेदार जो है फिर आगे चल के कुछ समय बाद RI बनते हैं, तो इन हाँ लाइन DSP, DSP भी होते हैं, लाइन DSP जो बड़ा जैसे रायपुर शहर है, ठीक है, वहाँ लाइन में बहुत सारे संसाधन हैं, है ना, तो वहाँ पे बड़े अधिकारी की पोस्टिंग कर दी जाती है लाइन DSP। RI के स्थान पर, RI के स्थान पर नहीं, देखिए पुलिस विभाग में जब आप पढ़ेंगे, पुलिस विभाग के कार्य पढ़ेंगे या शक्तियाँ पढ़ेंगे, CRPC शायद धारा 36 है, ठीक है, CRPC की धारा 36 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पुलिस अधिकारियों की शक्ति, तो उस धारा 36 में क्या बताया गया है कि एक जो मतलब थाना प्रभारी का जो कार्य होता है या जो शक्तियां हैं, थाना प्रभारी जिन शक्तियों का उपयोग अपने थाना क्षेत्र में करता है, ठीक है, वो सारी शक्तियाँ थाने प्रभारी से ऊपर के सभी अधिकारी उस शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। थाना प्रभारी की शक्तियाँ बताई गई हैं, ठीक है, उसके ऊपर के अधिकारियों की, मतलब जैसे एक थाना प्रभारी है, ठीक है, एक थाना, तो उसके ऊपर अनुविभागीय एक SDOP या CSP होंगे, तो थाना प्रभारी जो कर सकता है अपने थाना क्षेत्र में काम, जो कर रहा है, जो विवेचना कर रहा है, जो FIR कर रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें SDOP कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें SP कर सकते हैं, ऊपर के सभी अधिकारी वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ नहीं 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 RI इंस्पेक्टर है ना, और लाइन DSP उनके ऊपर ही रहेंगे ना, लाइन DSP के अंडर में RI रहेंगे, ठीक। अब वो लाइन DSP के ऊपर हैं कि क्या काम लेते हैं उनसे, कुछ शाखाओं का या तो उनको संपूर्ण प्रभार दे देंगे, अंतिम रूप से जिम्मेदार कौन रहेंगे, सीधी सी बात है, किसी भी एक जो ऑफिस होता है ना, वो ऑफिस का हेड जो है कार्यों के को सुगमता से संचालित करने के लिए अन्य अधिकारियों में शाखाओं का बांट देता है, लेकिन अंतिम रूप से उस ऑफिस की जिम्मेदारी उस प्रभारी की ही रहती है, ठीक है। तो मैं जैसे बताया आरक्षित केंद्र, अगर वहाँ पे जो हेड है सब RI है तो पूरी जिम्मेदारी इसकी होगी, भले कामों का बंटवारा कर देगा लेकिन उसका सुपरविजन ये करेगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे लाइन DSP अगर इनके ऊपर है, एक DSP की पोस्टिंग कर देते हैं जो लाइन को देखता है, या एक मुख्यालय DSP या जो भी DSP हैं उनको अगर लाइन का चार्ज दे दिया जाता है तो उन्हें लाइन DSP कहते हैं, DSP होते हैं। नॉर्मली क्या है, जैसे आप RI हैं, जैसे आप इंस्पेक्टर हैं, इससे प्रमोट होकर क्या बनेंगे, DSP बनेंगे ना, वैसे ही RI जो हैं सूबेदार जो हैं प्रमोट होकर RI बनेंगे, वो RI जो है प्रमोट होकर क्या बनेंगे, DSP बनेंगे, है ना। अब
आम तौर पर यही होता है, जो आरआई से प्रमोट हुए डीएसपी रहते हैं उनको लाइन डीएसपी बना दिया जाता है और ट्रैफिक डीएसपी बनाया जाता है, ठीक। आमतौर पर यही होता है, उन्हें एक आरआई को थाना तो नहीं देंगे, थाने के चार्ज देते हैं क्या कभी? नहीं देते हैं। एक तो उसी तरह से ये जो है, इससे जो प्रमोट हुए रहते हैं डीएसपी उन्हें सिर्फ लाइन के ही जो चार्ज रहते हैं ना, जैसे लाइन डीएसपी हो गया, या ये पुलिस लाइन का बहुत बड़ा काम है कि जो ट्रैफिक है ना उसको मैनेज करना, ट्रैफिक जो पुलिस है ना वो इनके ही अंडर रहते हैं, लाइन के ही अंडर रहते हैं, ठीक है। हाँ, किसकी? हाँ हाँ बिल्कुल 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 दे सकते हैं। देखो ये जो तीन अलग अलग पद है ना, ये नहीं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, एसआई, पीसी और सूबेदार, सूबेदार की ना, यहाँ से क्या है मतलब अलग अलग तीनों के कार्य क्षेत्र हैं, उसी हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होती है। एक सब इंस्पेक्टर को, लेकिन देखिए सब इंस्पेक्टर क्या है, सब इंस्पेक्टर को प्लाटून कमांडर कहते नहीं हैं, लेकिन उस तरह से कार्य कर सकते। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि सब इंस्पेक्टर को बटालियन में पोस्टिंग दिया जाए। देखिए डीएसपी रैंक के जो अधिकारी होते हैं ना, डीएसपी, इनकी पोस्टिंग बटालियन में भी होती है, बटालियन में भी हो सकती, की जा सकती है, और जिलों में। सब इंस्पेक्टर क्या है, देखिए पीसी क्या है, ये हमेशा बटालियन में रहते हैं, उसके अनुसार ही इनकी ट्रेनिंग होती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम का डिटेक्शन करना जो है इनका काम नहीं होता है, वैसे ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो इनको कभी इनका चार्ज नहीं दिया जाता, या सूबेदार को इनका चार्ज नहीं दिया जाता, ठीक है। लेकिन इनको अगर सूबेदार नहीं है, ऐसा होता नहीं कि सूबेदार ना हो, दिया जा सकता है चार्ज, ठीक है। अब देखिए सभी डीएसपी बनेंगे ये प्रमोट होके, प्रमोट होके डीएसपी बनेंगे, जैसे एसआई टीआई बनेंगे, पीसी क्या है सीसी बनेंगे, सब इंस्पेक्टर सूबेदार क्या है आरआई बनेंगे, यहाँ से सब क्या बनते हैं डीएसपी, यहाँ पे पहुँचते हैं तो इस रैंक की पोस्टिंग जो है कहीं भी की जा सकती है, बटालियन में की जा सकती है, जैसा लाइन डीएसपी बोल रहे हैं उसके रूप में भी की जा सकती है, या फिर जिलों में तो होती है एसडीओपी सीएसपी डीएसपी मुख्यालय के रूप में, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन इन लोगों को आपस में नहीं बांटा जा सकता। यहाँ भी देखिए जैसे एक डीएसपी है, एक सूबेदार से जो डीएसपी बने हैं, ये कानून बहुत कम पढ़ते हैं क्योंकि उनका कार्य में आवश्यकता नहीं होती, कानून की विवेचना बहुत कम करते हैं, तो आमतौर पर इनको क्या है सीएसपी एसडीओपी का पोस्ट नहीं दिया जाता है। लेकिन पहले जब कम थे, इस पद के अधिकारी पहले कम थे, तो जो सूबेदार से बने हैं या पीसी से जो बनते हैं डीएसपी, इन्हें भी एसडीओपी सीएसपी का काम दिया जाता था, उस पोस्ट पे उनकी भी पदस्थापना होती थी। लेकिन अब जैसा आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बनने के बाद से दो बार हो चुके हैं ना एसआई की भर्ती, ये तीसरी बार है, तो सभी फील्ड में क्या है डायरेक्ट अधिकारी जो हैं बहुत आ गए हैं, है ना। तो जैसे डीएसपी जो डायरेक्ट डीएसपी बनते हैं उन्हें बटालियन में भी पोस्टिंग मिल जाती है और जिला पुलिस में भी पोस्टिंग मिलती है सीएसपी एसडीओपी की, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पीसी डायरेक्ट बन जो हैं वो लोग भी प्रमोट होकर डीएसपी बन चुके हैं, तो अब इन डीएसपी को बटालियन में पोस्ट करना अब प्रेफर नहीं करते, ठीक है। कुछ मतलब मिक्सअप हो गया क्या कि जो बताया समझ में आया? देखिए प्रमोशन जो है कहीं पे भी जो सेटअप निर्धारित रहता है ना उसके अनुसार रहता है। जैसे मान लीजिए किसी जिला में पांच इंस्पेक्टर, एकदम ऐसे ही कोई एग्जांपल नहीं है, एकदम समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए एक जिला में पांच इंस्पेक्टर का सेटअप मतलब एक निर्धारित रहता है उस ऑफिस में, उस जिले में या कहीं भी किसी संस्था में कितने अधिकारी कर्मचारी नियुक्त होंगे उसे सेटअप कहते हैं, ठीक है। वो पहले से निर्धारित रहता है, एक आदेश निकलता है इस पद के इतने ऐसा निर्धारित रहता है। वैसे ही जिलों में इस रैंक के इतने अधिकारी
इतने कांस्टेबल, इतने हेड कांस्टेबल, ऐसा निर्धारित रहता है पहले से ही, उसे सेटअप बोलते हैं। तो सेटअप में अगर है कि पांच इंस्पेक्टर होने हैं, पांच इंस्पेक्टर होने चाहिए, ठीक। लेकिन और क्या है, सब इंस्पेक्टर लोग, इनका टाइम हो चुका है, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर के बनने की बारी आ गई है, ठीक है। तो अगर पद ही नहीं है तो प्रमोशन नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि सब इंस्पेक्टर जो रैंक होता है, यहाँ से पूरे राज्य भर में पद स्थापना चालू हो जाती है। जैसे कांस्टेबल है, जहाँ पे आपकी भर्ती है जिला अनुसार भर्ती निकलती है कांस्टेबल के पद की, आपका जिला से कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता, उसी ज़िले में आप कार्यरत रहते हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। एएसआई बनते हैं तो आपका उस रेंज में ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है, उस रेंज में जितने ज़िले हैं, ठीक है। लेकिन जब सब इंस्पेक्टर बनते हैं और उससे ऊपर, तो आपका पूरे राज्य में कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कहीं पे भी आपकी पदस्थापना हो सकती है। ये चीज़ आया समझ में, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर हैं वो टीआई बनने के लिए हैं। तो मान लीजिए बिलासपुर ज़िला में केवल पाँच ही टीआई का पद है और रायपुर ज़िला में एक पद खाली है, तो यहाँ या चार पद खाली हैं इंस्पेक्टर के, तो यहाँ जो हैं चार अगर सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बनने वाले हैं तो उनको यहाँ पदस्थापना नहीं दिया जाएगा, उन्हें इंस्पेक्टर बनाकर रायपुर में पदस्थ कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि यहाँ के सेटअप में सिर्फ पाँच इंस्पेक्टर ही का पद है ना, इसी पद के लिए वेतन आहरण हो सकता है इतने ही पद के लिए। तो या तो एक सृजित कर दिया जाता है, इस मतलब अस्वीकृत पद आजकल होने लग गया है आदेशों में जैसे देखेंगे, या कुछ और नाम से, जैसे मतलब जितना सेटअप है उतना ही पदस्थापना होगा। हाँ, अब मैं जैसे बताया कि जिला में एक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सिर्फ जिले में, जिले के अंतर ही अंतर्गत ही कार्य करते हैं, वहाँ ही उनकी पदस्थापना होती है जिले में, एक थाने से दूसरे थाने, लेकिन एक जिला से दूसरा जिला नहीं होता है सामान्य तौर पर जो ट्रांसफ़र होता है उसमें, ठीक है। तो अब जैसे एक जिला में 10 हेड कांस्टेबल का पद है, ठीक है, उसके बाद और पांच कांस्टेबल जो हैं इनका टर्म आ गया है, उनका टाइम आ गया है प्रमोशन का, उन्हें हेड कांस्टेबल बनना है, तो जब तक ये 10 पद में से पांच पद खाली नहीं होंगे तब तक ये कांस्टेबल ही रहेंगे, ठीक है, समझ रहे, क्योंकि ये पद खाली नहीं हुए। जैसे इसमें कुछ रिटायर हो जाते हैं या किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, दो लोग का ट्रांसफ़र हो गया या रिटायर हो गया, तो आठ बचे, तो इनमें से जो दो होंगे सूची में वरीयता में ऊपर, तो वो दो फिर बन जाएंगे हेड कांस्टेबल, समझ गए। इसके लिए आईजी सर करते हैं, अलग अलग पद के लिए प्रमोशन के लिए, जैसे राज्य स्तर पर एक डीपीसी जो बोलते हैं, मतलब जितने भी कर्मचारी हैं किसी ऑफिस में, एक ऑफिस का शाखा होता है स्थापना शाखा, ठीक है, उसमें कर्मचारी से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, वो जो है शाखा जो है हर वर्ष हर एक कर्मचारी के लिए वरीयता सूची बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे राज्य स्तर के अधिकारी होते हैं उनका पीएचक्यू में वो वरीयता सूची बनता है, ठीक है। तो वरीयता सूची के अनुसार फिर जैसे राज्य स्तर पर जो प्रमोशन होना रहता है उसके लिए डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ऐसा कर बैठते हैं, बाकी जिला स्तर पर आईजी साहब के निर्देशन में समितियां बनती हैं, फिर वो जो फिर प्रमोशन के लिए जो जो योग्यताएं होनी चाहिए या कुछ कुछ मापदंड जो हैं, जैसे पाँच वर्ष का सर्विस का रिकॉर्ड है पिछला, या कोई सज़ा और इनाम, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, उसके बाद ही प्रमोट करते हैं, ठीक है। वहाँ उसकी बात तो इंटरव्यू में नहीं होगी, जो बातें हो सकती हैं इंटरव्यू में उसको अभी देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया आरक्षी केंद्र से पूछ सकते हैं क्योंकि सूबेदार का पद है, ठीक है, और क्योंकि थाना से सभी लोग अवगत रहते हैं, जानते रहते हैं क्या काम है, आरक्षी केंद्र से नहीं रहते हैं अवगत। स्पेशल ब्रांच इनकी पदस्थापना पीएचक्यू में होती है एसबी, ठीक है, और स्पेशल ब्रांच के लिए एक आप लोग का अलग से एग्ज़ाम भी हुआ है ना, साइंस वाला, रेडियो और कंप्यूटर साइंस के लिए, आपके लिए नहीं है, सिर्फ इस स्पेशल ब्रांच ही है, अच्छा।
जिला विशेष शाखा। देखिए, एक होता है डीएसबी और एक होता है एसबी। डीएसबी जो है जिला विशेष शाखा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच। उसमें क्या होता है, उसमें जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं वो उस ज़िले के अंतर्गत जितने भी कोई समारोह है, कोई बड़ा आंदोलन है, कोई धरना प्रदर्शन है, कुछ आयोजन है, कोई वीआईपी का विजिट है, कोई मेला है, कोई त्यौहार है जैसे बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है, इन सब चीज़ों की क्या है जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके अनुसार फिर प्लानिंग करते हैं कि उसमें सुरक्षा व्यवस्था कैसे मुहैया कराना है। इन सब का रिकॉर्ड वो जिला स्तर पे होता है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। एसपी महोदय के वो गुप्तचर हैं, ठीक है, समझ गए। वैसे ही एसबी स्पेशल ब्रांच वो राज्य स्तर पर होता है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस तरह के, जैसे राज्य स्तर के जो आयोजन हैं या और भी कोई बड़ी घटना है, इससे संबंधित जो इंटेलिजेंस है, सूचना असूचना है, इन्हें एकत्र करना उनका काम है, ठीक, स्पेशल ब्रांच। क्राइम ब्रांच जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि अपराध शाखा मतलब अपराध से संबंधित जो, देखिए एक समय पर क्राइम ब्रांच था छत्तीसगढ़ राज्य में, जो जिसमें अलग अलग थाने के, जैसे जिला स्तर पर देखें तो अलग अलग थाने के जो भी इच्छुक या जो भी योग्य हैं अधिकारी कर्मचारी, उनको चुनकर एक ब्रांच बनाया गया था, क्राइम ब्रांच, ताकि बढ़ते हुए क्राइम पर कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। बाद में उन पे कुछ आरोप लगे या जो भी कारण रहे उसकी वजह से उन्हें उस क्राइम ब्रांच को क्या है, निरस्त कर दिया गया, ठीक है, वो उस ब्रांच को समाप्त कर दिया गया। जैसे नहीं, अब एसटीएफ वगैरह की बात करते हैं थोड़ा देर में। अभी तक तो ये सामान्य पुलिसिंग का ही बात हो रहा था, नक्सल क्षेत्रों का बात नहीं हो रहा था। इस संबंध में और किसी कुछ पूछना है जो अभी तक बात हुआ, किसी कोई डाउट है, आपको कोई डाउट है? अब जैसे मैं बताया पुलिस सहायता केंद्र, ना पुलिस सहायता केंद्र तक, नक्सल क्षेत्रों में अब पुलिस के लिए क्षेत्र एक जो बोलते हैं मैदानी क्षेत्र, ऐसा कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, दूसरा जो है नक्सल क्षेत्र। सभी जानते हैं कितने नक्सल प्रभावित जिले हैं हमारे राज्य में, 14 जिले नक्सल प्रभावित, ठीक है, तो उन जिलों को छोड़कर बाकी जिलों को क्या बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र। नक्सल क्षेत्र की पुलिसिंग अलग है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र की पुलिसिंग अलग है। नक्सल क्षेत्र में सामान्य पुलिसिंग तो होता है, पुलिसिंग जो होता है सामान्य कार्य, उसके साथ ही नक्सल विरोधी कार्य, ये एक चीज जो है, ये एक कार्य जो है ऐड हो जाता है, ठीक, समझ रहे हैं। अब मैदानी क्षेत्र के कार्य से लगभग परिचित हो गए हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, थाना भी बताया है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी बताया है, आरक्षी केंद्र भी बताया है, ठीक है। नक्सल क्षेत्र में सामान्य कार्य वैसा ही सेटअप रहता है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय होता है, एक आरक्षी केंद्र होता है और थाने होते हैं। उसके साथ साथ नक्सल विरोधी कार्यों के लिए कैंप का निर्माण किया जाता है, पुलिस कैंप का, ठीक, पुलिस कैंप का निर्माण किया जाता है। तो कोई जानता है इसके बारे में, आप लोग जानते हैं, जैसे नॉर्मली पढ़ते होंगे आप लोग, है ना, इस कैंप के निकट ये हो गया, पुलिस कैंप के निकट ही आईडी ब्लास्ट हो गया, ऐसा पढ़ते होंगे ना। पुलिस कैंप क्या है, पुलिस कैंप जैसे आप नक्सल क्षेत्रों में जाएंगे वहाँ पे संचार सुविधा और संचार मतलब आवागमन की सुविधा और संचार सुविधा कनेक्टिविटी, ये सबके बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में विकास कार्यों को पहुँचाना भी है, ठीक है,
विकास कार्य कहने का मतलब है, सबसे पहला विकास कैसे पहुंचता है, सड़क से पहुंचता है, सड़क निर्माण, ठीक है, बिजली पहुंचाना है वहां तक, स्कूल पहुंचाना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, ठीक है, राशन दुकान पहुंचाना है, राशन दुकानों में राशन पहुंचाना है, सड़क अनिवार्य चीज़ है और बाकी सारी चीज़ें उसके बाद वहां पे पहुंचती हैं। लेकिन उनसे भी पहले, सड़क को भी पहुंचने से पहले वहां पे किसको पहुंचना होता है, पुलिस को। जो नक्सल क्षेत्र हैं उनमें विकास की पहली शर्त क्या है, सुरक्षा है। आप सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे तभी वहाँ पर सड़क बन पाएगा और सड़क बनेगा तभी विकास वहाँ तक चलकर पहुँच पाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, वहाँ पे विकास कार्यों को सुरक्षा देना पुलिस का नक्सल क्षेत्रों में, ठीक है। उसके लिए कैंप की स्थापना की जाती है, जैसे कि हमको लगता है कि कैंप की स्थापना क्यों की जाती है, मैं बता रहा हूँ। कैंप जो है एक टेम्पररी, मतलब परमानेंट नहीं है, एक टेम्पररी स्थान है जहाँ पे पुलिस जो है, पुलिस के जवान रहते हैं और वहाँ से नक्सल अभियान को चलाते हैं और साथ ही विकास कार्यों में को सुरक्षा प्रदान करते हैं वहाँ पे रह के। अब देखिए वहाँ पे अलग चुनौतियाँ हैं नक्सल क्षेत्रों में, ठीक है, सामान्य नहीं, नहीं कैंप के द्वारा नहीं। क्या होता है, कई स्थानों पर कैंप है और कैंप के साथ ही पुलिस थाने हैं, ठीक। सिर्फ अगर पुलिस थाना रहेगा तो पुलिस थाना में क्या है, ज़्यादा बल नहीं रहेगा, ठीक है, बल ज़्यादा नहीं रहेगा। तो पहले क्या होता था, 10-15 साल पहले छत्तीसगढ़ कई थाने जो हैं नक्सल क्षेत्रों में जो थे वो नक्सलियों के द्वारा लूट लिए जाते थे, उन पे हमला करके उनके हथियार लूट लेते थे, पुलिस अधिकारियों को जो है बहुत जान माल का नुकसान उठाना पड़ता था पुलिस विभाग को, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कैंप, जगह जगह कैंप स्थापना, मतलब एक थाना होता है, जैसे पहले एक कैंप होगा, ठीक, कैंप इस्टेब्लिश करेंगे, कैंप वहाँ बना। मान लीजिए एक कोई जगह है, यहाँ तक जो है सामान्य जनजीवन चल रहा है, उसके बाद से जंगल चालू हो जाता है जिस क्षेत्र में कंट्रोल नहीं है, तो इधर सड़क भी नहीं है, ठीक, सड़क बनाएंगे तो सुरक्षा देना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए एक जगह है, तो यहाँ से आगे की सुरक्षा देने के लिए जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे एक कैंप इस्टेब्लिश किया जाता है, फिर यहाँ से पुलिस फोर्स निकलती है, इधर से निकल के सुरक्षा प्रोवाइड करती है, तब जाकर सड़क बनता है, ठीक। ऐसे ही ये क्रम, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, पहले कैंप होगा, फिर सुरक्षा होगा, फिर सड़क बनेगा, ऐसे ही ये क्रम चलते जाता है, पूरे क्षेत्र में फैलते जाता है, ठीक, ये समझ गए कैंप। तो क्योंकि ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पे 2-3 किलोमीटर भी जाना बहुत मुश्किल होता है, 2-3 किलोमीटर कहने में बहुत ईजी है, जहाँ जैसे यहाँ से अगर जाएंगे सामान्य क्षेत्रों में कई 100 किलोमीटर जा सकते हैं, है ना, लेकिन वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, पूरा पैदल ही सफ़र करना है, हर चीज़ चलकर ही, एक तो रोड ही नहीं है, जंगल में चलना है, तो 4-5 किलोमीटर ऐसे दूरी पर कैंपों का निर्माण होता है। उसके बाद इनके बीच में जितने भी, जैसे अब यहाँ पर कोई गाँव है लेकिन इसके लिए कोई रोड नहीं है, ठीक है, ये गांव वाले जो हैं, आप जाएंगे नारायणपुर में देखेंगे तो लोग जो हैं 3-3 दिन तक चलकर वहां से दूरी तय करके नारायणपुर में बाज़ार करने आते हैं, मतलब कई लोग तो ऐसे हैं कि सप्ताह भर में मतलब एक सर्कल ही चल पाता है बाज़ार करने का, 3 दिन गए, 1 दिन बाज़ार किए, 3 दिन में वापस आए, ठीक है, ऐसा भी होता है क्योंकि बहुत दूर है मुख्यालय। और अबूझमाड़ कहते हैं उन क्षेत्रों का सर्वे ही नहीं हुआ है, अगर देखें मतलब लगभग 6,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है नारायणपुर का, तो वहाँ पे केवल 20-25% एरिया पर ही हमारा कंट्रोल है, बाकी तक पहुँच के लिए मार्ग ही नहीं है, ठीक है, इतना इतना पहाड़ी इलाका, इतना दुर्गम इलाका है, ठीक। तो इस तरह से ये कैंप बनाए जाते हैं। तो कैंप में क्या होता है, सामान्य वही चीज़ें जो पुलिस जवान को रहने के लिए चाहिए, कि बैरक चाहिए और भी उनके हथियार रखने के लिए जगह चाहिए, किचन चाहिए, ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है, सुरक्षा करने के लिए मोर्चे चाहिए, ये सब चीज़ें कैंप में रहती हैं, ठीक है। पहले कैंप खुल जाता है, फिर जब वो क्षेत्र सामान्य होता है तब जाकर वहाँ पर क्या है, और अपराध प्रारंभ होते हैं। जैसे
थाना की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ जहाँ पर पॉपुलेशन होता है, जहाँ पर क्राइम होता है। उन क्षेत्रों में सामान्य क्राइम जो है बहुत कम होते हैं, नक्सल अपराध ही बहुत होते हैं, इसलिए थाना की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन समय के साथ जैसे जागरूकता बढ़ रही है और लोग जो हैं सामान्य जनजीवन में, सामान्य जो विकास के धारा में आगे आ रहे हैं, तो हर तरह से विकास होता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें बढ़ती हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी बढ़ती हैं, मतलब क्राइम जो सामान्य क्षेत्रों के अपराध हैं उन क्षेत्रों में भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए फिर कैंप के बाद कुछ समय बाद वहाँ पर थाना खोला जाता है। हाँ, यही देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, नक्सल क्षेत्र है ना, नक्सल विरोधी कार्य सामान्य कार्य करती है जिला पुलिस नक्सल क्षेत्रों में, ठीक। उसके अलावा नक्सल विरोधी कार्य भी करते हैं, नक्सल विरोधी कार्य करने के लिए अलग अलग टीम बनाई जाती है। सामान्य कार्य के लिए जैसा सामान्य क्षेत्र में है, नक्सल विरोधी कार्य के लिए अलग अलग पद पर, जैसे DSP का पद बताऊँ तो DSP बस्तर फाइटर, DSP DRG, ठीक है, DSP नक्सल ऑपरेशंस, इस तरह के पद सृजित किए गए हैं, एडिशनल SP नक्सल ऑप्स, इस तरह के पद बनाए गए हैं उन क्षेत्रों में, ताकि वो जो अलग विंग है एक्स्ट्रा, वो सिर्फ और सिर्फ नक्सल विरोधी कार्यों में या उस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करते रहें लगातार, ठीक, समझ रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा कार्य है। अब नक्सल विरोधी कार्यों में जैसे एक जिला पुलिस है DRG का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। जिला पुलिस के सैनिक, अच्छा जैसे मैं रैंक बताया, कहाँ तक बताया, कांस्टेबल तक, ठीक है, नक्सल क्षेत्रों में असिस्टेंट कांस्टेबल और SPO, ठीक है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर और गोपनीय सैनिक एक पद होता है नक्सल क्षेत्र में, ठीक है, ये और अन्य पद हैं जो केवल नक्सल क्षेत्रों में ही हैं और केवल वही कार्य करने के लिए इन पदों को बनाया गया है, ठीक है। अभी बस्तर फाइटर सुने होंगे, है ना, बस्तर फाइटर एक फोर्स यूनिट है जिसका गठन किया गया है, जिसमें भर्तियां की गई है आरक्षकों की, तो इन ये सब क्या हैं, नक्सल विरोधी कार्य करते हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर है ना, स्पेशल पुलिस ऑफिसर है SPO कांस्टेबल। और हाँ, तो मैं बता रहा था कि नक्सल विरोधी कार्य के लिए जो टीम बनती है ना, उनमें ये सब रहते हैं, जैसे DRG है जिला पुलिस ने बनाया है, इसमें जो है जिला पुलिस के कांस्टेबल, असिस्टेंट कांस्टेबल, SPO, गोपनीय सैनिक, इनसे मिलकर ही DRG का गठन किया है। तो DRG कौन कंट्रोल करता है, जिला पुलिस, ठीक। वैसे ही CAF की कंपनी होती है, CAF अगर देखें तो CAF जो है इसमें बटालियन होता है, बटालियन के बाद कंपनी या समवाय कंपनी ही, जिसे समवाय, इसके बाद फिर प्लाटून, और इसके बाद प्लाटून के बाद सेक्शन। CAF को ऐसे हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। CAF की कितनी बटालियन है, 22 बटालियन है, और यहाँ बिलासपुर में कौन सा बटालियन है, सकरी बटालियन है, दूसरी बटालियन बोलते हैं, दूसरे नंबर का है, ठीक है, समवाय कंपनी। अब एक बटालियन है जैसे दूसरी बटालियन के कई कंपनीज हो सकते हैं, उनमें जितने सैनिक होते हैं, जितने मतलब अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनसे मिलके एक कंपनी बनता है। फिर कंपनी जो है, कंपनी में कई प्लाटून होते हैं, प्लाटून में सेक्शन होते हैं, सेक्शन जो है, अब सेक्शन से संख्या निर्धारित करते हैं, ठीक। सेक्शन में एक सेक्शन में लगभग 10 से 12 अधिकारी
कर्मचारी पुलिस के जवान होते हैं, समझ लो एक सेक्शन में 12। ऐसे ही प्लाटून में 3 सेक्शन होता है, एक प्लाटून जो है 3 सेक्शन से मिलकर बनता है, ठीक है, 3 सेक्शन, लगभग 100, 110, 120 इतने जो हैं, मतलब अधिकारी कर्मचारी इसमें होते हैं, पुलिस के जवान होते हैं प्लाटून में। और फिर कंपनी आता है, कंपनी में 300 से 500 तक जवान होते हैं कंपनी में। फिर उसके बाद होता है बटालियन। तो जैसे सकरी बटालियन में मान लो 8 कंपनी है, ठीक है, 8 कंपनी है, हर एक कंपनी में 500 जवान है, 8×5=40, 4000 जवान इस बटालियन। इस तरह से ये, इसे क्या बोलते हैं, नफड़ी। नफड़ी मतलब होता है पुलिस विभाग में संख्या, अधिकारी कर्मचारियों की संख्या को नफड़ी, नफड़ी कहते हैं। इतनी नफड़ी मिलके ऐसे ऐसे बनते हैं। एक सेक्शन जो होता है एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो आप जो बनेंगे, जब पीसी बनते हैं तो प्लाटून कमांडर बनते हैं, ठीक है। अब नक्सल क्षेत्र है, नक्सल क्षेत्र में एक फोर्स है DRG, जो नक्सली से लड़ते हैं। दूसरे हैं कंपनी, CF के जो हैं कंपनी है नक्सल क्षेत्रों में, उनकी पदस्थापना होती है। जैसे इस बटालियन की 2 कंपनी, एक कंपनी मान लो दंतेवाड़ा में, एक कंपनी कांकेर में है दूसरी बटालियन की। ऐसे जो है किसी भी बटालियन के जो हैं ऑफिस में जितने कर्मचारी चाहिए या बटालियन को चलाने के लिए जितने जवान चाहिए, उनके बाद वो रहते हैं, उनके बाद अलग अलग कंपनियां बना के अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय कर दिया जाता है, ठीक है। अधिकांश जो फोर्स है, अधिकांश के लगभग सभी अधिकांश फोर्स जो हैं नक्सल क्षेत्रों में ही तैनात है। अधिकांश जो कंपनियां हैं, ठीक है, सभी जितने भी बटालियन हैं उनकी कंपनियां जो हैं नक्सल क्षेत्रों में हैं। जैसे दूसरी बटालियन की 1 कंपनी हाई कोर्ट की सुरक्षा में भी है ना, एक कंपनी हो सकता है कि लाइन में भी, एक कंपनी जो है रायपुर जो है क्योंकि राजधानी है, वहाँ पे बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, बहुत सारे बटालियन की एक एक कंपनी वहाँ पे है, रिजर्व फोर्स के रूप में तैनात है, ठीक। जैसा कि मैंने बताया था ना कि लाइन में जो है रिजर्व पुलिस रहते हैं, तो जिले के भी बल रहते हैं रिजर्व के रूप में, साथ ही बटालियन के भी। अब जैसे यहाँ पुलिस लाइन है, अब पास में बटालियन है, तो लाइन में अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। मैं पहले ही बताया था CF जो है छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स जो है एक स्पेशल यूनिट है, एक रिजर्व के रूप में रहती है, जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे इनको तैनात किया जाता है, जब ज़रूरत होती है, उनकी मांग होती है, उनको तैनात किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आया समझ में। इनका कोई निश्चित काम निर्धारित नहीं है, जब ज़रूरत है तब उनको काम दिया जाता है। जैसे पुलिस विभाग में निश्चित काम निर्धारित है कि आपकी थाना में पोस्टिंग है ये काम करेंगे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पोस्टिंग, जिस कार्यालय में पोस्टिंग वो काम करेंगे, ऐसा इनका नहीं है। बटालियन में रहते हैं, कंपनी जहाँ पे इनकी पदस्थापना की जाती है, जैसे मैं बताया कि मान लो दूसरी बटालियन की 1 कंपनी नारायणपुर में है, डिप्लॉयड है, तो वो नक्सल विरोधी कार्य करेंगी। या फिर अब जैसे एक कंपनी को CF की जो कंपनी है अलग अलग जिलों में रहती है, ये समझ में आ रहा है। दूसरी बटालियन की 1 कंपनी की पोस्टिंग है नारायणपुर में, है ना, 300 लोग करीब नारायणपुर में ऐसा डाल दिए, एक कंपनी बोल रहा हूँ, 100-110 लोग नारायणपुर में डाल दिए, ठीक। तब उनको कंट्रोल कौन करेगा, पुलिस अधीक्षक उस जिले का, ठीक है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय जैसे नक्सल विरोधी अभियान करते हैं तो DRG का प्रयोग करते हैं, साथ ही CF की उस कंपनी का प्रयोग करते हैं, और ही इसके साथ ही किसका प्रयोग करते हैं, CAPF के बटालियन और कंपनी वहाँ पे तैनात रहती हैं। CAPF जो अभी मैं बताया, CRPF, अधिकतर CRPF की फोर्सेस हैं। अगर आप जाएंगे तो बस्तर साइड कभी गए होंगे देखने या घूमने गए होंगे तो देखेंगे CRPF कैंप ऐसा लिखा रहता है। नारायणपुर में सभी कैंप ITBP के हैं। तो ये तीनों ही मिलकर वहाँ पे नक्सल विरोधी कार्य करते हैं, अभियान करते हैं, समझिए। अब जैसे ये कंपनी है, एक कंपनी है, मैं बताया कि दूसरी बटालियन की 1 कंपनी का है नारायणपुर में स्थापित, वहाँ पे भेज दिए हैं।
तो कंपनी के हेड कौन होंगे इस कंपनी के? कंपनी कमांडर, ठीक। और इस कंपनी में जितने भी प्लाटून होंगी उसके हेड होंगे प्लाटून कमांडर, समझ। मतलब आप प्लाटून कमांडर बनेंगे तो आपके अंडर सेक्शंस रहेंगे, है ना, कई सेक्शन रहेंगे। तो ये ऐसा होता है, यहाँ तक आया समझ में, ठीक। अब जैसे डीआरजी है, डीआरजी की टीम बनती है 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग की, जिला पुलिस से मिलके बना है, तो उसके कमांडर होते हैं। उसके कमांडर कौन होते हैं? इंस्पेक्टर होते हैं या फिर सब इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक। तो अगर नक्सल क्षेत्र में आप कार्य करेंगे, नक्सल विरोधी, इस तरह से करेंगे, ठीक है, और प्लाटून कमांडर इस तरह से। लेकिन अगर सूबेदार बनते हैं तो आपकी ड्यूटी रहेगी लाइन में, पुलिस लाइन में, ठीक, समझ गए। लेकिन सभी लोग मिलकर ही कार्य करते हैं, आपको भी जो सूबेदार होते हैं वो भी नक्सल विरोधी कार्य, जैसे कि कैंप खोल रहे हैं, कैंप स्थापना करना है कहीं पे, तो सभी मिलकर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि सूबेदार जो है नक्सल क्षेत्र में होती है सभी की पोस्टिंग, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब नक्सल कार्य नहीं करना है। तो पुलिस में है तो जो भी कार्य हमको दिया जाएगा हम वो करेंगे, है ना। और हमारे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, नक्सलवाद को ख़त्म करना है अपने राज्य से, नक्सल मुक्त बनाना है, है ना, ठीक है। तो ये कोई डाउट जो कर रहे थे कि कहाँ पे पोस्टिंग होती है, क्या करना होता है, अब मेरे ख्याल से नक्सल क्षेत्र का भी मतलब क्या करना है, कैसा कार्य करना है वो चीज़, या कैसे पदस्थापना होती है, वहाँ जाके क्या काम करेंगे, ये मैं बताया, तो समझ में आया ये कुछ। कोई और डाउट है, कुछ और पूछना है? बिल्कुल करते हैं, मैं बताया ना, रिजर्व फोर्स हैं, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा आपका, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए SDRF है, है ना, SDRF राज्य में, है ना। क्या होता है SDRF का मतलब? रिजर्व नहीं, रिलीफ फोर्स, है ना, उसे आप। तो SDRF में कौन होते हैं नियुक्त? होमगार्ड लोग, मतलब जो होमगार्ड के जवान होते हैं वो, उनसे ही SDRF बनता है, ठीक है। लेकिन चूंकि पुलिस जो है हर तरह से जनता के हित में कार्य करती है, तो चाहे वो आंतरिक असुरक्षा हो नक्सलवाद जैसा, या फिर आपराधिक कार्य हो, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो, सभी तरह की आपदा, प्राकृतिक या मानव जनित जो भी आपदा है, जैसे रेल एक्सीडेंट है, इस तरह के जितनी भी आपदाएं हैं सभी में ही पुलिस कार्य करती है, लोगों की सहायता करती है, ठीक है, लोगों का बचाव करती है। अब मैं एक और चीज़ जो बताना चाह रहा, और कुछ पूछना किसी को? एक और चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ, कुछ कुछ संहिता या किताबें या नियम, रूल रेगुलेशन, जिस पे रह कर आपको कार्य करना है या जिसके अनुसार आपको कार्य करना है, ठीक है। सबसे पहले जब आपकी भर्ती होगी तो वो एक अधिनियम के अनुसार होती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007, ठीक है। ये जो पुलिस अधिनियम है, राजपत्र में कोई भी नियम प्रकाशित होता है, अधिनियम वो कहलाता है, उसमें सारे पद दिए रहते हैं, उन पे भर्तियाँ, उनकी शक्तियाँ, उनकी संरचना, इस और जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनकी परिभाषा ऐसे दी रहती है मोटे मोटे तौर। बाकी जो पुलिसिंग चली आ रही है हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने से, किसके अनुसार हो रही है? पुलिस रेगुलेशन, आप सुनेंगे, पुलिस रेगुलेशन या विनियम,
नियमों के पालन करने के लिए जो नियम और शर्तें बनाए जाते हैं वो नियम विनियम कहलाते हैं, है ना। कब बना था ये? 1861 में, ठीक है। पुलिस रेगुलेशन, इस पुलिस रेगुलेशन में पुलिस विभाग के जितने भी कार्य हैं, जितने भी जैसी जैसी संरचना है, जो मैं सभी बताया आपको कि एक रक्षित केंद्र होता है या एक थाना होता है, थाने का भारसाधक अधिकारी होता है, पुलिस अधीक्षक होते हैं, है ना, पुलिस अधिकारियों के लिए की सेवा की शर्तें हैं, है ना, उनके कार्य हैं, उनके दायित्व हैं, उनको मिलने वाले दंड हैं, उनको मिलने वाले उपहार हैं, सभी चीज़ें A to Z इस पुलिस रेगुलेशन में दी गई हैं, ठीक है। इसमें कुल 973 पैरा है, पुलिस पैरा बोलते हैं, 973 पैरा है। ये आप लोग पढ़ेंगे, इससे संबंधित आपका परीक्षा भी होगा जब ट्रेनिंग ख़त्म होगा तो, ठीक है। 973 पैरा है। इसके अलग अलग पैरा में जो है पुलिस के कार्य, क्या क्या कार्य हैं, कैसे कैसे भर्ती होती है, छुट्टी के नियम कैसे हैं, है ना, मेडिकल ली अगर कोई सहायता चाहिए, हर तरह के, जैसे मैं बताया कि रक्षित केंद्र में क्या होना चाहिए, एक थाना कैसा होना चाहिए, थाने भवन में कौन कौन से रजिस्टर होने चाहिए, थाने भवन में कौन कौन से कमरे होने चाहिए, ये तक भी A to Z पूरा इसमें दिया गया है पुलिस रेगुलेशन में, ठीक है। तो पुलिस रेगुलेशन के अनुसार, कहीं एक क्वेश्चन आ गया कि आप बन जाओगे पुलिस अधिकारी तो कैसे कार्य करोगे, तो एक आंसर अच्छा दे सकते हो, सर पुलिस रेगुलेशन में दिए गए विनियमों का पालन करते हुए अपने कार्यों को निष्पादित करूँगा, या पुलिस विभाग के लिए जो कार्य हैं, एक थाने के भार साधक अधिकारी के रूप में हो या किसी भी पद के जो कार्य हैं पुलिस रेगुलेशन में दिए गए हैं, जिसके अनुसार मैं कार्य करूँगा, ठीक। खैर इतना डिटेल बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सामान्य जो चीज़ें जानते हैं, लेकिन अगर किसी पॉइंट पर इसको जोड़ सके तो काफ़ी अच्छा होगा। एक जानते रहिए, मतलब आज से पहले अगर नहीं जानते रहे होंगे तो ये जान गए पुलिस रेगुलेशन जैसा कोई चीज़ होता है, 1861 में बना था, ठीक है, उसके अनुसार ही सभी कार्य और शर्तें जो पुलिस के हैं वो हैं, वैसे ही कार्य किया जाता है। इसमें टोटल 973 पैरा है। दूसरा, भारतीय दंड संहिता, ये कब बना था? 1860 में। भारतीय दंड संहिता, इसी ही बोलते हैं IPC, इंडियन पीनल कोड, कोड जो संहिता, संहिता क्या होता है, कलेक्शन, किसी भी कलेक्शन को, तो ये बहुत सारे धाराओं का कलेक्शन है भारतीय दंड संहिता। अब इसमें कितने धारा हैं, कुल धारा हैं, मेरे ख्याल से 511 टोटल धारा हैं, 511 धारा हैं, और एक होता है CRPC जिसे बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का है ये, और भी पहले बना था 1973 में, व्यापक स्तर पर संशोधित हुआ ये भी 1850 के आसपास का बना हुआ है। इसमें जो धाराएं हैं, बढ़िया, 484 ठीक है। तो ये तीन चीज़ों का काम आपको बहुत आपके सर्विस पीरियड में भी पड़ेगा, आप जब ट्रेनिंग करेंगे, परीक्षा देंगे ट्रेनिंग का, उस टाइम भी पड़ेगा, या हमेशा ही आपको एक पुलिस अधिकारी रहते हुए जिन चीज़ों को देखना है, है ना। इसके अलावा भी और बहुत सारे अधिनियम हैं वो देखने होते हैं, लेकिन जो बड़ा हिस्सा है वो तीनों ही हैं, ठीक है। पुलिस रेगुलेशन जो है बहुत आपके कार्यों से, एक पुलिस अधिकारी को कैसा होना चाहिए, क्या कार्य होते हैं, ये सब चीज़ें उसमें हैं। तो इसको मतलब क्या गीता कह सकते हैं, ठीक है, भारतीय दंड संहिता हो गया। अब एक चीज़ बताओ, जो
अपराध होते हैं, ठीक है, थानों में केस रजिस्टर होता है, उसमें धाराएं लगाते हैं, है ना। सबसे कॉमन धारा जैसे 376 है, 302 है, ये सभी लोग जानते हैं, है ना, जानते हैं ना। 379 चोरी है, 323 मारपीट है, 294 गाली गलौज, ऐसे करीब बहुत सारे हैं, लेकिन 302, 376 ये मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं, जो कॉमन आदमी है, पुलिस संबंधित नहीं वो भी जानते हैं, ठीक है। तो वो किसकी धारा है, इसकी है, इसकी है, आईपीसी की है, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, समझ गए आप। एक कर्फ्यू बोलते हैं ना, कर्फ्यू लगा है, धारा 144, ये किसकी धारा है, सीआरपीसी की धारा है, ठीक है। धारा 144 जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है, एविडेंस एक्ट, हाँ होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, तो वो भी है, ठीक है, उसमें उसको भी लिख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम शायद 1872 का है, और इसमें धाराएं हैं टोटल 167, ये श्योर नहीं हूँ, करेक्ट कर लेना अगर कहीं मिले तो, ठीक है। तो ये तीन संहिता और ये एक पुलिस रेगुलेशन, ये चीज़ें जो हैं ये सारी आपको कहाँ काम आएंगी, आपके द्वारा जो क्राइम का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा वहाँ पे आपको काम आएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है, इनका। और पुलिस रेगुलेशन का कहाँ काम आएगा, आपको ड्यूटी कैसे करनी है, आपके विभाग की क्या क्या संरचना है, क्या कैसे होता है, क्या सज़ा है, कितनी सज़ा है, ये सब चीज़ें किसमें हैं, पुलिस रेगुलेशन में। उसके अलावा बहुत सारे काम भी हैं, जैसे बलवा जब होता है, ठीक है, बलवा देखे होंगे कि आंदोलन होता है तो उन्हें भगाने के लिए पहले क्या मना करते हैं, माइक से अनाउंस करके, ठीक है, फिर नहीं मानते हैं तो उन आंसू गैस के गोले, फिर लाठी चार्ज करना, अंत में क्या है, गोलीबारी करना, ये होता है, ये एक प्रक्रिया है। आप जब ट्रेनिंग में रहेंगे तो वहाँ देखेंगे बलवा ड्रिल का जो पूरा प्रैक्टिस कराया जाता है, तो एक क्रम में कराया जाता है। अब किस समय क्या करना चाहिए, पहले डंड लाठी चार्ज करना चाहिए कि आंसू गैस के गोले दागना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी पुलिस रेगुलेशन में हैं, ठीक है। ठीक, समझ गए, है ना। तो ये चीज़ें, अब इनसे डिटेल अगर कोई LLB किया होगा या पुलिस विभाग में होगा, पुलिस विभाग का कोई जैसे आप लोग हैं तो आप लोग से पूछ सकते हैं इनके अंदर का कुछ कुछ चीज़, डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, डिटेल में नहीं जाएंगे ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जाएंगे तो आप डिफेंड कर सकते हैं क्योंकि उतना काम नहीं पड़ा है। प्रचलित धाराएं आप बता सकते हैं, कोई बोलेगा IPC की प्रचलित धाराएं बताइए, तो जो सामान्य तौर पर जो पुलिस के में नहीं है वो तो बता सकते हैं ना, 302, 376, 377 इस तरह के बता सकते हैं, ये दो तीन बता के शांत हो सकते हैं। पुलिस विभाग के लोग बहुत सारे धाराएं जानते हैं, वो बता सकते हैं, बाकी उतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप विभाग में आने वाले हैं, आए नहीं हैं, है ना, और LLB करे हैं तभी आपसे पूछेंगे, वरना नहीं पूछेंगे। तो ठीक है, जैसे संरचना हो गया, क्षेत्र हो गया, क्या क्या कार्य होते हैं, इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, और कुछ कुछ संहिता है उनके बारे में मैं बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, जिसको आपको एक बार देख लेना है या एटलीस्ट नाम ही याद रखना है, वो सब चीज़ें मैं बता दिया। और इसके बाद और कुछ होगा तो आप लोग डाउट के रूप में पूछ सकते हैं, अभी मैं यहीं रहूँगा और आगे होने वाली क्लास शायद 11 या 12 को है, उसमें भी और डील करूँगा, ठीक। हाँ, IPC CRPC, देखो
दंड प्रक्रिया संहिता, नाम से ही अंतर समझ में आ रहा है, भारतीय दंड संहिता। संहिता मतलब क्या होता है? कोड, कलेक्शन किसी भी चीज का, है ना। जैसे जय संहिता सब पढ़ते हैं ना आप लोग, महाभारत को बोलते हैं। तो भारतीय दंड संहिता, दंड जब भी कोई कार्यवाही होगा, पुलिस जो कार्यवाही करेगी, न्यायालय जो कार्यवाही करेगी, उसके बाद दंड दिए जाएंगे, वो किसमें है, किस तरह के दंड दिए जाएंगे, किस अपराध में, इसमें है भारतीय दंड संहिता में। लेकिन वो कैसे दिए जाएंगे, ठीक है, पुलिस अधिकारी कैसे विवेचना करेगा, कैसे वो न्यायालय में पेश करेगा, न्यायालय के जो मजिस्ट्रेट हैं, जो जज हैं, वो कैसे कार्य करेंगे, न्यायाधीश कैसे आदेश देंगे, किस मामले को कैसे सुनेंगे, वो सारी चीज़ें प्रक्रिया संहिता। पुलिस अधिकारी किसी किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को कैसे गिरफ्तार करेंगे, किन मामलों में सीधा गिरफ्तार करेंगे, किन मामलों में वारंट लेके गिरफ्तार करेंगे, वो प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया संहिता में है, ठीक है। और बाकी उन्हें दंड कैसे देना है, किस मामले में, किस अपराध में क्या दंड देना है, सिंपल सा एक चीज, ठीक है, किस अपराध में क्या और कितना दंड देना है, वो दंड संहिता में है। लेकिन उसे वह दंड कैसे देना है, किस प्रक्रिया के अनुसार देना है, वो प्रक्रिया क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता में। आया समझ में?